बिलोंग करते थे, जिन्होंने माशाल्लाह फाइनेंशियली बहुत हेल्प की थी जब पाकिस्तान बन रहा था, कायदे आज़म की और पाकिस्तान को बनाने में बहुत रोल प्ले है सर आजमी दाऊद का। हमारी माशाल्लाह से कम्युनिटी बहुत वेल ऑफ कह सकते हैं, और गरीब तो देखिए हर किस्म में होते हैं, लेकिन अभी तक हमारी कम्युनिटी में कोई बहुत ही ऐसा आपको लोग नहीं मिलेंगे जो रोड में भीख मांग रहे हो। तो अभी तो लेकिन जैसे हालात जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये एक डर खौफ है कि आगे आने वाले 5 से 10 साल में अगर हमने अभी होश की आँखों नहीं ली तो हमारी कम्युनिटी के लोग भी भीख मांग रहे होंगे, जो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। दूसरा ये कि एजुकेशन अगर आज के वक्त पे नहीं है ना लड़के के पास या लड़की के पास इवन, तो वो कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है, आप जो बात है आप बताएं भाई, दोबारा आए थोड़ा सा एक अपना तारुफ करा दें और आप बताएं कि आप क्या करते हैं, जाके हम आपसे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, क्या फ़ायदा? मेरा नाम रेहान अल्लाहवाला है, जैतपुर यूथ को मैं लीड करता हूँ। और जैसे बात है देखिए, अभी हम लोग जब मिलेंगे तो सब एक से फ़ायदा तो उठाएंगे और ये हमारा मकसद है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यूथ की ये एक्टिविटी है कि हम जो लेस प्रिविलेज जो हमारी यूथ है जिनको थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको हम हेल्प भी करते हैं फाइनेंशियली कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। ये नहीं बस एवरेज यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, क्योंकि एवरेज भी यूनिवर्सिटी पढ़ेगी आगे उसको जॉब नहीं मिलेगी वो कैसे अपने घर को सपोर्ट करेगा। तो उसको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अभी हम स्पोर्ट्स को भी काफ़ी यूथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत एक हेल्थी एक्टिविटी है। और अवेयरनेस के प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं यूथ को लेके। और मैं ये चाहता हूँ कि जो अभी हम जैतपुर की यूथ को हमसे जो कर रहे हैं, अगर जैसे हम हाथ मिला लें एक दूसरे के साथ, तो हम ज़्यादा बड़े स्केल पर भी हम यूथ को कैटर कर सकते हैं और इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो अवेयरनेस हर कौम में ज़रूरत होती है, और हमारी जो एवरेज जो क्लास है मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास कर ले, वो बेचारे अपनी क्लासेस से ही फारिग नहीं होती या वो बेचारे पार्ट टाइम जॉब भी करती है, तो उनको अवेयरनेस इतनी होती नहीं कि हमारे राइट्स क्या है या हम क्या क्या और कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल एक फील्ड में आप रह के कुछ नहीं कर सकते, आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम उनके लिए कोई अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहे जिससे हम स्पॉन्सरशिप भी ले जा सकते हैं, स्पॉन्सरशिप लेके उनको फ्री में कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करें, अच्छे इसमें मेंटोर भी हो, अच्छे पब्लिक स्पीकर भी हो जो उनको गाइड करें, उनका माइंड को ब्रॉड करें कि यार आप एक इंसान बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इधर सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि अब एक लड़का जो बेचारे छोटे से घर में रहता है ना, वो बहुत तंग दिमाग हो जाता है, उसको लगता है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसको फिर हर चीज़ बुरी लगने लग जाती है। तो हम ये नहीं चाहते कि वो हमारा जो यूथ है वो बुरे कामों की तरफ आ जाए इस नेगेटिविटी वजह से। तो उसको हम पॉजिटिव भी दुनिया का भी रुख दिखाएं, और अगर हमारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा पूरा माशरा पूरा मुल्क पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिविटी बहुत बड़ा चेंज ला सकती है हमारे मुल्क को फ्लरिश करने से। मेरा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का पूरा बिजनेस है, एयर कंडीशनिंग का सेंट्रली, जो कि वो भी पाकिस्तान में लोग मानने को तैयार नहीं है। तुम लोकल कैसे प्रोडक्ट बनाते हो, चाइना को बीट कैसे कर पा रहे हो, लेकिन वो भी पॉसिबल है। और मैं आपको जब बताऊंगा कि मेरी टोटल एसेट की वैल्यू क्या है, तो आप लोग हैरान हो जाओगे आप लोग ये सुन के, इतने कम मतलब स्केल पे आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हो इतने बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह। और मैं आपको जब नेक्स्ट मीटिंग्स में आपको अपनी प्रोडक्ट की चीज़ें भी दिखाऊंगा, पिक्चर्स वगैरह दिखाऊंगा, आप यकीन नहीं करोगे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें बन सकती है। और क्यों नहीं बन सकती, हम चाइना को आराम से कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन बस माइंडसेट की बात है। अच्छा, ये सब करने के लिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम हासिल करी? मैंने फिमसेट से MBA किया था, सिंपल। तो MBA का स्थान ऐसे क्या था? बिल्कुल यार, मैं देखें एक तो ये भी बहुत है कि यार हम एक या तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे तभी कुछ होगा, इससे नहीं, ये सिर्फ माइंड गेम है। आपको बिजनेस करने में मैंने ना हमेशा अपने बड़े बड़े लोग का हिस्ट्री देखी कि जो बड़े बिजनेस टाइप को नहीं, वो हम सबको बड़े लोगों से तस्वीर खिंचाने का बहुत शौक होता है, लेकिन ये नहीं देखते वो बड़ा आदमी बना कैसे। और जैसे मैंने जितनी लोगों की हिस्ट्री पढ़ी ना, वो कोई बहुत ही कोई हाई फाई यूनिवर्सिटी के एजुकेटेड लोग नहीं थे, उन्होंने सिर्फ मेहनत की और उनका माइंड सेट बहुत बड़ा था, उनका गोल बहुत बड़ा था कि यार हमको यहाँ तक पहुँचना है। मेहनत नो डाउट बहुत होती है, भागा भागी करनी पड़ेगी आपको, आसानी से कोई प्लेट में आपको कोई घर वाले भी आपको नहीं देते कि ये लो खा लो, क्योंकि जब आप एक एज सर्टेन एज तक पहुँच जाते हो तो आपको खुद मेहनत करनी है। और आज के ज़माना ठीक है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुश्किल है तो हम बस दूसरों पर डिपेंडेंट होकर बैठ जाए। आप मेहनत करो, डबल एफर्ट करो कि अगर आपके पास जैसे 4-5 घंटे दिन के हैं तो उसको भी किस तरह यूटिलाइज कर सकते हो। पाकिस्तान में बिजनेस करना इतना ही आसान काम है। आपको सॉरी खत्म कराना, आपने कहा कि आपकी जो NGO है वो दूसरे बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए काम करती है,
फिर आपने बताया कि आप कारोबार करते हैं और बहुत बड़ा कारोबार करते हैं बगैर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, तो ये बाकी बच्चों को आप सवाल याद है? हाँ बिल्कुल याद है। देखें हमारी जो जेतपुर कम्युनिटी है वो हमारे यूथ को हम जॉब्स ही देते हैं, तो हमारे पास जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है ना उसमें हल्की यूनिवर्सिटी वो मानते ही नहीं है, बोलते हैं भाई MBA या CBM क्यों। और देखिए जब हल्की यूनिवर्सिटी की CV भेजते हैं तो वो क्या करते हैं, वो CV रिजेक्ट करके तो अच्छी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल मेरा सवाल दोबारा ये कि जैतपुर और मेमन तो उसके तो खून के अंदर बिजनेस होता है, आप उसका खून क्यों बदली करा रहे हैं? अच्छा खासा वो बेचारा बिजनेसमैन है, उसको आप क्यों अच्छी यूनिवर्सिटी में डाल के और उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि वो किसी काम करने का लायक ना रहे, कि अगर मैं तो बाबू बन गया हूँ मुझे तो टोयोटा करोला चाहिए और नौकरी चाहिए, तो उसको आप अपनी तरह मेहनती क्यों नहीं बनाते? यही तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो मैं करिए इसीलिए मैं इधर आने का सवाल कर रहा हूँ आपका, ना इनसे पूछ रहा हूँ इनसे पूछ रहा हूँ आपका क्या आपका क्या। ये बहुत जान के खुशी हुई कि आपको ये मालूम है कि हमारी कम्युनिटी का बैकग्राउंड क्या है। हम सब बिजनेस माइंडेड थे, हमारे फादर्स की जनरेशन तक हम लोग 90% बिजनेस सब करते थे, बहुत कम इक्का दुक्का ऐसा किए आते थे कि हाँ इसे ये जॉब करते हैं। लेकिन अब उल्टा हो गया, अपोजिट, अब 90% जो हमारे यूथ है वो जॉब की तरफ प्रीफर कर रही है, बिजनेस नहीं कर रही है। लेकिन हमको हंगामी हालत में उनको कम से कम जॉब तो देनी है, ऐसा नहीं बोलते लेकिन सब ये ना आपने इनकी कमर में जाना है ना उनकी कमर में जाना है, उनकी कमर में जाना है ना उनकी कमर में जाना, तो आपको तो सिर्फ अपने एनजीओ में आपका काम। हम यही तो करते हैं, मैं तो जितना हो सकता है अपने पूरा इस पे के आप सब बिजनेस करें जितना मैं बता सकता हूँ, लेकिन इधर आने का मकसद ये है कि हम लार्ज स्केल पे लोगों को कन्वेंस करें कि आप बिजनेस करो। लार्ज स्केल पे तो कर ही नहीं सकते, पहले तो आपको कन्विंस करना पड़ा है मुझे तो भी यार। नहीं 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 रिहान भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो लोगों को कह के थक गया अपना बिजनेस करो, इसलिए मैंने पहला ये बोला था पाकिस्तान नंबर वन कंट्री है बिजनेस करने के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा ठेला लगाना कोई मसला नहीं है, ना कोई आपको लीगल फॉर्मेट है कुछ है, बस मेहनत करो। तो रिहान भाई ये बोलो माइंड सेट चेंज करना है, लोग नेगेटिव हो गए, अब उनका क्या नेगेटिव कि यार पाकिस्तान में तो बिजनेस करना अजाब है, बहुत मुश्किल है, क्यों TV न्यूज़ देख देख के यार तो कारोबारी लोग परेशान है, सब परेशान है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, तो वो बस ये लोग टीवी देख के जबाए यूथ, और इसमें कस्टमर यूथ का भी है तो वो क्या करते हैं हमको बस अच्छी यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल जाए, अच्छा पढ़ लें, अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। लेकिन रिहान भाई उनको भगाना, उनको ये भी नहीं करना, उनको बिल्कुल भगा दे, फिर उनका फिर कम्युनिटी सर्विसेज वाले लोगों या उनसे उनका फिर एतमाद जो बहाल हुआ था वापस वो जगह कम्युनिटी कुछ करती नहीं है, फिर उनका ये ताने, तो उनका माइंड से चेंज करने के लिए हमको ऐसे प्रोग्राम अरेंज करने पड़ेंगे जो उनका माइंड चेंज करे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजनेस करने वाला बंदा होना चाहिए, बिजनेस कोई भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको अपनी मिसाल दी, एयर कंडीशनिंग का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा हूँ, सिर्फ इंस्टॉलेशन सर्विसेज वगैरह मेरा नहीं है, जो कि पाकिस्तान इक्का दुक्का कंपनी देगी, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल लो प्रोफाइल होके काम करोगे, आप खुद परचेस मैनेजर बन जाओ, खुद मालिक बन जाओ, खुद मार्केटिंग करने वाले बन जाओ, खुद अकाउंटेंट बन जाओ, सब कुछ कर लो, अपने ऑफिस एक्सपेंसेस कम करके आप चाइना को आराम से बीट कर सकते हो, मार्केट बहुत बढ़िया पाकिस्तान की। चलो ये तो बहुत ही एक्सेप्शनल काम है, लेकिन आप सिखाएंगे यहाँ पे ट्रेनिंग कराएं ना? रिहान भाई मैं हाजिर हूँ जितना हो सकेगा, यूथ जो भी हो अपनी कम्युनिटी के लिए, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा यही है कि उनका माइंड चेंज करना है, उनको जॉब अच्छी चीज़ है जॉब करें, लेकिन अगर जॉब नहीं मिलती तो इसको बहाना बनाए घर पे चूड़िया पहन के आप नहीं बैठ जाए। आपकी कम्युनिटी में ज़्यादातर ये होता है कि खुद अपनी कम्युनिटी के लोगों को कंसिडर करते हैं और दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करते, हम जैसे लोग इन्वॉल्व करते हैं कि हमारी कम्युनिटी भी आ जाएगी। जैसे मैंने एक बार मुझे ही फेयर है कि हमारे के 5 साल बाद मेरा कोई यूथ का लड़का या अच्छा आपको किसी को सीखना हो बिजनेस तो आपको फोन कर ले, नो डाउट एनी टाइम, नंबर बता दें, बिजनेस की टेक्निक मैं आपको दे देता हूँ, पूरा भी लाइव बता दूँ अगर आप भी जाना तंगी करेगा ना, नहीं मेरा नाम ले ले कोई नहीं, अगर जिससे जो भी मुझसे हेल्प लेना चाहे, अगर वैसे मैं अपने को इस काबिल समझता नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर किसी को भी बिल्कुल अगर ध्यान नहीं समझते हो ठीक है, मैं अपना नाम नंबर दे देता हूँ 0313-8282555 मेरा नंबर है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है मैं आपको भले ये नहीं बोलता कि एयर कंडीशनिंग का बिजनेस कर लो, मैं आपको वो भी कर लो, वो भी अगर कर सकते हैं नो डाउट आप कर लो, लेकिन ये जरूर बता सकता हूँ कि आप यहाँ पे कोई भी अगर आप काम करते हो तो मार्केट कैप्चर किस तरह कर सकते हो, क्योंकि टिप यही कि आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों की हिस्ट्री उठा उठा के पढ़नी पड़ेगी कि वो यहाँ तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, उसकी टैक्टिक क्या थी, इसके अलावा आपको अब खुद को कुछ बनाना पड़ना है, तो फिर आपको खुद अब माइंड और सामने वाले की आपको है ना बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह आना चाहिए कि उसका क्या माइंड सेट है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है,
ये आपको ये तो देखो, और आप जॉब भी करते हो ना, तो सामने जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं उसका भी आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह आना चाहिए कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, आप जितना भी क्वालिफाइड हो और आपको सामने वाले का आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ आती, तो आप ना जॉब ले सकते हो ना बिजनेस कर सकते हो। ये एक शॉर्ट टिप है जो कि आप सबको कुछ लेनी पड़ेगी। इसके लिए अब तो नेट भी है, वहाँ से उठा लो कोई चीज़ यार, किस तरह लोगी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह उसके सामने के आपको सबसे पहले आपको कोई बिजनेस करो आपके पास ऑर्डर होने चाहिए। अगर आप बड़े स्केल पे करते हो या अगर छोटे स्केल पर आप कोई दुकानदारी कर रहे हो, तो आपको जिस नेचर का बिजनेस आप करना चाहते हो, तो जो आपका कस्टमर है आपको उसका बॉडी लैंग्वेज का बहुत अच्छी तरह नो हाउ होना चाहिए। तो आप जो बिजनेस करोगे इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और सिर्फ ये नहीं कहता हूँ, देखो बड़े बड़े आप अगर कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं आजकल, तो फैशन डिजाइनर आप बड़े बड़े, मैं जितने भी फैशन डिजाइनर के इंटरव्यू सुनता हूँ, हर कोई यही बोलता है कि मैंने एक सिलाई मशीन से स्टार्ट किया था घर में, या कोई बोलता है कि मैंने तो सिर्फ 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था। और वाकई में ये लोग करते भी हैं, क्यों, इनके पीछे गोल था। तो आप अगर जब तक गोल नहीं बनाओगे कोई बिजनेस में आप कामयाब नहीं होगे। भले आप जो आजकल ट्रेंड निकला हुआ है चाय पराठे का, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैं ये नहीं बोल रहा कि साहब उसी के पीछे लग जाओ और वो पूरी मार्केट खराब कर दो। आप कोई नई चीज़ सोचो, आप कोई नई चीज़ सोचो तो ज़रूर कामयाब हो गए, क्योंकि हर नई इनोवेशन लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप ये नहीं कि आप कोई कपड़े की दुकान में बहुत सारा फ्लरिश करे तो आप भी सामने कपड़े की दुकान इसके खोल लो, या कोई बेकरी खोलो तो आप भी 10 बेकरियाँ खोलो तो कामयाब ही हो गए। अगर आप बेकरी भी खोलते हो तो उसमें कोई नई चीज़ दो तो क्यों नहीं लोग खाने आएंगे। अगर मुझे पता चले गए सामने कोई बेकरी खुली है जो स्पेशल आइटम है जो उसी के पास है, तो मैं 10 बेकरियाँ छोड़ के भी उसके पास आऊँगा। अगर आपने भी वही चीज़ रखी हुई तो 10 बेकरियाँ रखी हुई तो आपके पास कौन आएगा। तो ये सब चीज़ होती है कि आप जो भी बिजनेस करो उसमें आपका माइंड जरूर होना चाहिए कि आपकी क्रिएशन, आपकी ओन क्रिएशन जरूर होनी चाहिए, बिल्कुल कॉपी कैट नहीं होने। हम पाकिस्तानी का मसला यही है, बिल्कुल नो सर। वंस अगेन आप अपना सेल फोन नंबर बता दीजिए कमेंट साइन दो। मेरा नाम रिहान रुफाना वाला है और मेरा सेल नंबर है 0313-8282555। थैंक यू। सिर्फ तारू, मेरा नाम लियाकत अली है, मैं एक फलाही इदारे में एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर काम करता हूँ। यहाँ क्यों आए? आज मुझे रेहान भाई ने इनवाइट किया था कि आप आके यहाँ पर शरीक हों प्रोग्राम में, तो मैं आज आया हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि चैनक में आखिर होता क्या है, क्या इलीगल एक्टिविटीज। सर आप बता सकते हैं वो फलाही इदारे काम करते हैं? पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट फलाही इदारा है जहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों को हर साल मुफ्त में इलाज किया जाता है। इन्होंने अपने हाथों से खड़े होकर अदीब रिजवी साहब के साथ बनवाया है, और ये मैंने इसको इसलिए बनाया कि आके मुझे डांटे क्योंकि ये बहुत अच्छा डांटते हैं, और इनको मेरे से बहुत सारी शिकायत सवाल होते हैं तो वो पब्लिकली कहते हैं मैं पूछूँगा वीडियो में। तो अब मैंने मौका दिया है इनको कि आके खिंचाई करें मेरी, क्योंकि जब तक हम अपनी खिंचाई नहीं कराएंगे तो तोन बाहर आ जाएगी। तो शुक्रिया फॉर कमिंग लगते आपसे आखिर में आते हैं क्योंकि लंबा सवाल होगा मुझे मालूम। जी थैंक यू। ये बच्चे का तारुफ और नंबर नंबर दो। हाँ अपना नंबर पहले, तो पहले बात तो मैं एक पहले इन बच्चे से आप वीडियो लाइव होने से पहले मैंने इनसे कुछ बातें करी। इस चैनल पर हम मेरे ख्याल में 150 से ज़्यादा मीटअप कर चुके हैं, और बहुत रेयरली ऐसे बच्चे आते हैं जिनको मिलके पहले 10 सेकंड में कहता हूँ अगर ये बच्चा इस जैसे 50 बच्चे पैदा हो जाए तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। बहुत शुक्रिया। और ये मुझ में से एक बच्चा है। अब इस बच्चे को मुझे जो और डर लगता है इन जैसे बच्चों से मिलके, वो ये लगता है कि ये तो यहाँ मिसफिट होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे बच्चों को हैंडल सही तरह ना किया जाए और इनको वो अपॉर्चुनिटी ना दी जाए जो इनके लिए, मतलब ये तो दुनिया फतह करने वाले बच्चे हैं, तो अगर ये बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो ये वो जो मीडियोकर हमारे मेजॉरिटी मीडियोकर माइंडसेट वाले लोग हैं, छोटे छोटे सोचने वाले, बहुत रेयरली कोई एक निकल आते कोई नूर जो कहते हैं नहीं नहीं मैं बड़े बड़े काम करूँगा, फिर हम उसको पिटाई कर करके कहते नहीं छोटे सोचो तुम भी। तो मुझे डर ये लग रहा है कि ये खुदा ना करे ख़राब ना हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने ऊपर और काम करेंगे कि इनको कोई भी माइक लाल ख़राब ना होने दे। तो
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद सिद्दीकी है और मैं आज रेहान भाई के पास मिलने के लिए आया था उनसे। किस सिलसिले में रेहान भाई? मैं उनसे एक प्रोजेक्ट हम लोग जिसपे इनिशिएट कर रहे हैं कराची की ट्रैफिक को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिलसिले में मिलने आया था, और मैं रेहान भाई से बहुत दिनों से मिलना भी चाहता था उनकी बातें सुनने के लिए, और ज़रूर चैनल को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या होता है, किस तरह की बातें होती हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। और बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके आप सब लोगों से मिलके, और इंशाल्लाह आगे भी मैं आता रहूँगा ज़रूर। तो आप अपना फिक्सिट वाला भी तारुफ करें ना कि आप क्या क्या करते हैं और क्या पढ़ाई करी और कहाँ जाना चाहते हैं। मैंने एयरबस कंप्लीट कर लिया है एंड इंशाल्लाह मैं अपनी यूनिवर्सिटी यूके में कंटिन्यू करूँगा बाय द एंड ऑफ 2017 इंशाल्लाह। और बाकी मैं पाकिस्तान में एक एनजीओ रन करता हूँ सिंस लास्ट 4 ईयर्स, उसका नाम फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी है, आप लोग फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। प्लस मैं बाकी और इवेंट मैनेजमेंट फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, मैं हॉबीस्टिक फोटोग्राफी भी करता हूँ, और मेरा जो एम है वो जो है वो एंटरप्रेन्योर बनने का है, और मेरा पैशन मार्केटिंग का है, और मुझे मैं बिल्कुल इसकी तरफ काम करना चाहता हूँ, अपनी डिग्रीज इसी में लेना चाहता हूँ, और ज़िंदगी में कुछ बन के इंशाल्लाह जो है वो अपनी फैमिली को और पाकिस्तान को अपने ऊपर प्राउड दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू। मशवरा दे सकता हूँ? बिल्कुल। आपके लिए मेरा मशवरा है कि आप 2 साल में 6 जगह इंटर्नशिप कर लें और बाहर ना जाएं। सही। 2 साल के बाद जब आप 6 इंटर्नशिप कर ले होंगे उसके बाद आपका जो दिल करे कीजिए, लेकिन वो 2 साल तक पढ़ाई नहीं करनी है बल्कि 12 घंटे रोज काम करना है। अगर कोई 5 घंटे काम देता है तो एक और जगह जाओ 5 घंटे और काम ढूंढो, ऐसे बन जाओगे कि तुम्हारा मुकाबला भी कोई नहीं कर सकेगा। दैट्स माय वन स्मॉल। बहुत शुक्रिया सर, मैं जरूर इसके ऊपर सोचूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम राशिद महमूद है और मैं महकमे मौसमियात में काम करता हूँ, और आजकल मैं हमारा इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड जियो फिज़िक्स, उसमें एज इंस्ट्रक्टर, यही मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। और ये हमारे बहुत रेगुलर जाने वाले हैं, और ये मेरे ख्याल में मैं आऊँ ना हूँ ये ज़रूर आते हैं, इनका बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मेरा ताल्लुक बेसिकली पब्लिशिंग से है, और ज़्यादातर किताबों पे काम करता हूँ, और मतलब ये है कि पहले करता था 8-10 साल किया, उससे काफ़ी थक गया कर कर के, तो फिर बीच में बिजनेस करना चाहा, उसके लिए फिर 1-2 बार स्टार्ट किया, गिरा संभला, तो अभी समझ लें इसी तरह, मतलब एक इंजरी हो गई थी उसकी वजह से बेड रेस्ट पर था, तो अभी फिर से समझ लें इसी तरह हूँ। और रेहान भाई को देखा है, फॉलो किया है, तो काफ़ी इंस्पायर हूँ इनसे, आज फर्स्ट टाइम इनसे मिलने आया हूँ, और ये कि सोच रहा हूँ आगे क्या करना है, किस तरह करना है। आप लोग जी बिजनेस क्या था? मैंने लैपटॉप का किया था रीगल ट्रेड सेंटर में, नाज प्लाजा में, इन 2 जगहों पर, तो बीच में कुछ मिसहैप हो गया, उसकी वजह कर जो है कैपिटल का इशू और कुछ इस तरह के इशू थे, तो वो नहीं कर पाया मैं, और फिर ये कि अभी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो एक वही करना चाह रहा हूँ, मतलब कि कोई ऐसा बंदा मिले जो मुझे आगे गाइड कर सके इन फ्यूचर कि किस तरह काम किया जाए, क्योंकि और इतने सारे लोगों को देखा है तो उनसे भी यही सुनने को मिला है कि काफ़ी चीज़ों में मतलब ये कि लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं, और ये कि ज़्यादातर मतलब सही ऑथेंटिक जो है वो कोई गाइडलाइन नहीं देता। बाकी अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और ये कि कॉन्फिडेंट की थोड़ी कमी है, और जिस तरह के हालात से गुजरा हूँ, तो ये कि अभी अपना कॉन्फिडेंट जो है मैं वो इंक्रीज़ कर रहा हूँ और डेवलप कर रहा हूँ आप लोगों से मिलकर। थैंक यू। आपने किताबों का जिक्र किया, किताबों के लिए क्या करते थे? किताबों पे मैं ये चौधरी मोहम्मद अली चैरिटेबल ट्रस्ट है गुलिस्तान जौहर में, डॉक्टर अमजद एहसन अली इसको रन करते हैं, मदरसा आयशा और इब्न अब्बास के नाम से, तो इनका एक पब्लिशिंग का शोबा है जिनके साथ मैं एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम करता रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम हिजामा को जो यहाँ पर आजकल पंचर की दुकान की तरह खुल गई है, दुकानें हर जगह हर गली में आपको मिल जाएंगी, तो आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था हिजामा नाम की चीज़ को पाकिस्तान में, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने ही लॉन्च किया है, फर्स्ट टाइम हिजामा को इन्होंने ही लॉन्च किया है, और जो है फर्स्ट टाइम इस बुक पर काम मैंने ही किया है, और अब तक जो इस की किताब मार्केट में अवेलेबल है,
तो वो मेरे ही हाथ की बनी हुई है। तो आपके हाथ की जी, ये कोई किताब बनवाना चाहे तो आप बनवा के दे सकते हैं उसे? इस काम को मैं कर कर के थक गया हूँ 8-10 साल, और आगे 8-10 साल तक, और आगे इन फ्यूचर मुझे इसमें स्कोप नज़र नहीं आ रहा था। मतलब इस काम में लोग इतने आ गए कि एक काम को सपोज़ मैं अगर 100 रुपये पर पेज में करता हूँ, ठीक है, तो उस काम को वही बंदा जो मदरसे में वो टीचर है, वही बंदा मतलब घर पे ही अपने बीवी बच्चों से काम करवा रहा है, और वही काम वो इन आप एक काम की वैल्यू 100 रुपये, वही काम 20 रुपये में करके दे दे रहा है, ठीक है। तो आप उसके मतलब ये कि इन फ्यूचर आपके एक्सपेंसेस और सारी चीज़ें महंगाई बढ़ रही है, और उस काम में मुझे स्कोप नज़र नहीं आ रहा था, तो डेट्स वाई आई लेफ्ट माई जॉब। और ये जो है मैं जो है बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा था, उसमें किया भी है, इम्प्रूवमेंट भी थी, लेकिन एक दो मिसअप हुआ उसकी वजह कर जो है मैं नहीं कर पाया कंटिन्यू। दर्जी में और आमिर अदनान में क्या फ़र्क होता है? आमिर अदनान कौन है? स्टिचिंग का फर्क होता है काफी, और ये और ये के मतलब ब्रांड होता है, और ब्रांड क्या होता है उसको लोग ज़्यादा जानते हैं, उसकी मार्केटिंग अच्छे तरीके से की जाती है। और मलिक की नहारी में और रेगुलर नहारी में क्या होगा? किसकी नहारी में? मलिक अच्छा काम क्या होगा? ठीक है, साबरी की नहारी, मलिक की नहारी और एक आम नहारी में क्या होगा? आप कराची के ही हैं ना? जी जी। नहीं 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 खाई। कौन सी खाए थे? जाहिद और जाहिद की नहारी और रेगुलर नहारी में क्या होगा? एक मोहल्ले की नहारी की दुकान। हाँ, वो प्रोफेशनल होते हैं, वो शुरू से प्रोफेशनल मतलब ये कि शुरू से करते हुए आ रहे होते हैं। अच्छा तो ये बताएं, ऐसा कोई आदमी का नाम बताएं जिसको मैं फोन करूँ, बेटा मुझे किताब लिखवानी है जरा या प्रिंट करानी है, आप मेरा काम करा देंगे, मैं आपको 50,000 रुपये देने को तैयार हूँ। एक आदमी का नाम बता दें। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, नाम तो अगर बुक प्रिंट करवानी है तो मेरा दोस्त है दानिश, डिज़ाइनर भी है और वो फ्रीलांसिंग काम भी कर रहा होता है। इनके दो दानिश को इस बारे में कोई जानता? जाहिद की नारी को कोई जानता? तो आप हैं और वो पहले की पंचर की दुकान से ये फर्क है। सही, आप जब अपने आप को समझेंगे कि आप मोहल्ले की पंचर की दुकान जाहिद की नारी आप सबसे अच्छा करते हैं, तो लोग आपको 20-200 रुपये देंगे। सही, पहले किसको समझना पड़ेगा? यही सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर आया हूँ जिसकी वजह से, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं तो आपसे सारे सवाल और मैं काफी जो है ना अंदर से अभी वो हो रहा हूँ, पसीने आ रहे हैं मुझे। आपको किताब के बारे में ABCD आपने 10 साल आपने जी जी, अगर मैं आपके साथ यहाँ 4 घंटे एक एक तफसील पूछना शुरू कर दूं आप बोल सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल है कितने घंटे बोल, अभी आपको खुद बिल्कुल भी मतलब ये अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कंफ्यूज ही हूं। अब क्या उम्र है? 30। एक बहुत बड़ा शोभा है दुनिया के अंदर, वो है किताब पब्लिशिंग का काम, ठीक है। एक तो पब्लिशर्स होते हैं और दूसरे जो बिजनेस कार्ड नहीं होते, लोग बिजनेस कार्ड लेके फिरते हैं, द न्यू बिजनेस कार्ड इज अ बुक। जब आप किसी को बुक देते हैं, सर ये मैं आपके लिए, आप फेस कीजिए, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, उसको क्या दे सकते हैं आप तोहफे में जो बाजार से नहीं खरीद सकते? आपकी बुक, आप अपनी बुक को अपने साइन करके जब देंगे तो कोई माई का लाल उसको और नहीं दे सकते, आप दे सकते। तो आपकी वो यूनिकनेस होती है और किसी के पास नहीं होती। तो जो आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा है, अगर आप 4 घंटे बोल दें, उसको पब्लिश करा दें, कितने करोड़ का खर्चा है?
आजकल तो कुछ भी नहीं है, एसी हो गया। मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए में किताब मिल जाती, इससे कम ही हो जाती है। 1 लाख मिल जाती है जी। करोला कितने की आती? करोला 13-14 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख की आती। तो कितनी करोला है? लाखों है। लाखों कितनी किताब है? किताब का जो करोड़ों में खास है वो नहीं, पाकिस्तानी ओरिजिनल ओरिजिनल जो है राइटर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी करोड़ों हैं। हर साल कितनी पब्लिश होती होंगी आपका ख्याल? 2,300 किताब। हाँ, लेकिन ये है कि एक ही ब्रांड के मुख्तलिफ पब्लिशर अलग अलग वो एक ही बुक्स पर काम कर रहे होते हैं, मतलब पाकिस्तान से ओरिजिनल कंटेंट कितनी छपती है? मैंने एक जगह पढ़ा था 2,300 किताबें छपती हैं। करोड़ कितनी बनती है? लाखों। तो आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, या जो 2,500 आदमी लैपटॉप बेच रहे हैं 500 रुपये रख के 50 रुपये रख के, आप उनके साथ आप काम करेंगे तो उनसे कॉम्पीट कर सकते हैं जो कि आपको आता है काम वो करना चाहिए। 10 साल से एक आदमी का आपका एक्सपर्टीज है। लेकिन मैं वो जॉब ही कर रहा था, जॉब में मैं मैक्सिममली जो है वो 25-30 हज़ार रुपए अर्न कर रहा था, कमा रहा था। ठीक है, जी करें जी। सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन खान है और सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा इंटर्नशिप कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में। तो वहाँ पे क्या करते हैं? इंटरव्यूज देता हूँ जो 500 मीटर फैन एक्सपेरिमेंट के जो कंप्लीट कर लेते हैं। सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन खान है, सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ और उसके अलावा रियान के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में इंटर्न हूँ, वहाँ पर इंटरव्यूज करता हूँ। किस चीज़ का इंटरव्यूज करते हैं? सर का एक प्रोजेक्ट है 500 म्यूचुअल फंड एक्सपेरिमेंट, उसमें जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं उन लोगों का। लोग ठीक, उनसे आप क्या सीखते हो या उनको सिखाते भी हो कुछ? उन लोगों से जो मैं सवाल करता रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इंटरव्यू की स्किल्स के बारे में पता चलता रहता है, किस तरह से होस्टिंग की जाती है किसी प्रोग्राम की। चलो सर ठीक। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साले। वालेकुम सलाम, बताइए। मेरा नाम सवाल मोहम्मद है और मैं साइबेरिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता हूँ रेहान अल्लाहवाला के पास, और उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो शुरू में माइनॉरिटीज़ के लिए माइनॉरिटीज़ को हमने एम्पावर किया था, और अब मैं स्पोर्ट्स का जो है रेहान स्पोर्ट्स उस दूसरी अकेडमी के साथ मिलके स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, और कराची में स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल से लार है स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स खेल सके, क्योंकि अमूमन ये होता है कि क्लब के लड़के ही शामिल होते हैं, तो हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स का। और बाय पैशन मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, जितने भी सेशंस होते हैं ट्रेनर्स के वहाँ से डेटा लेकर और ग्रास रूट लेवल के लोगों के साथ बैठ कर काम करता हूँ, और इसीलिए मैं आज चैनक आया हूँ क्योंकि रेहान अल्लाहवाला का एक सेशन मेरे लिए 1 लाख रुपये का सेशन है और कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। शुक्रिया। आप स्पोर्ट्स के बारे में जो आपने बात की है उसमें ग्रास लेवल के बच्चे आपके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपसे कांटेक्ट करके आप वहाँ उस एकेडमी तक पहुँचा सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, उसके लिए तो हम मैं डेली ट्रैवल करता हूँ, मुख्तलिफ 10 से 15 स्कूल डेली ट्रैवल करता हूँ, जिसमें हम जाकर दावत देते हैं उनको कि आप आएँ हमारी अकेडमी ज्वाइन करें, अकेडमी ज्वाइन करने के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट हॉकी स्कॉश आप खेलें हमारी अकेडमीज़ में। हफ्ते में 2 क्लासेस होती है सैटरडे और संडे, और उसके बाद फिर अब टूर्नामेंट भी आ रहा है हमारा हॉकी का अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में फेब के अंदर, जिसमें पूरे कराची से स्कूल्स की जो टीम्स हैं वो हिस्सा ले रही हैं। तो कौन सी अकेडमी है, कौन से ग्राउंड में लोग आए? स्पोर्ट्स फॉर लाइफ अकेडमी है हमारी, और जो भी रابطہ करना चाहे वो कर सकता है रابطہ। एड्रेस बता सकते हैं? एड्रेस आप फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं जी, अपनी फेसबुक आईडी भी बता दीजिए और अपना नंबर भी। facebook.com/swale swale m और फोन नंबर है 0345318674। थैंक यू। वालेकुम सलाम, मेरा नाम असलम शहजाद है, मैं लाहौर से आया हूँ। स्टेटेक्स कोरियर कंपनी है, उसका सिटी मैनेजर हुआ है कराची में, और उसका बिज़नेस सेट करने के लिए मैं स्पेशली लाहौर आया हूँ। रेहान अल्लाहवाला से मेरी मुलाकात हुई थी लाहौर में हवेली 24 पे लास्ट मीटअप पे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे मिलने आया हूँ ताकि बैठक में कुछ सीखने को मिल जाए। और अशरफ चौधरी की टीम में भी हूँ मैं, गोरिल्ला सीवी पे हम लोग काम करते हैं, उमर जावेद कुरैशी और मैं दोनों मिल के जो है उस प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं। क्या चीज़ है सर? गोरिल्ला सीवी हम लोग बनाकर देते हैं लोगों को, प्रोफेशनल सर्विस है सीवी राइटिंग सर्विस, अशर चॉइस साहब की जो सर्विसेज में से एक सर्विस है। क्या सर डिफरेंट है आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप कितना
किस फील्ड उसमें किस स्लैब में लाई करते हैं फिर उतना आपको चार्ज किया जाता है। इट्स रेंजेस फ्रॉम 4,000 टू 15,000 रुपीस। ठीक, बता दीजिए अपना नाम। मेरा नाम समी। आपका नाम समी, थोड़ा तेज बोलो, वो लोग नहीं सुन रहे। समी। समी क्या करते हैं? मैं पढ़ रहा हूँ। किस क्लास में? फाइव। फाइव में, माशाल्लाह, गुड। अस्सलाम वालेकुम, कामरान नाम है मेरा, फर्स्ट टाइम हेयर एंड रिहान अल्लाहवाला से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं बहुत महीनों से कोशिश कर रहा था एक दफ़ा भी मुलाकात हो जाए। और मैं जो इंडस हॉस्पिटल में काम करता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मैं बेसिकली कोऑर्डिनेटर हूँ वहाँ पे, पेमेंट्स को देखता हूँ। और मेरा रीज़न है आने का क्योंकि मेरा अपना एक ड्रीम है, तो मैं यहाँ सीखना चाह रहा हूँ किस तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, एक स्कूल खोलना चाह रहा हूँ फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन। तो ये इसलिए मैं आया हूँ, होपफुली लर्न अ लॉट। नहीं सर, वो एक्चुअली मैं जब स्पेशल बच्चों के बारे में बात करता हूँ, मेरा स्पेसिफिक एक एरिया वो जो आप लोग पता है, यहाँ कितने लोगों को पता है, लेकिन जो जैसे डिसलेक्सिया हो गया, ADHD हो गया, अटेंशन डिफिशेंसी जो होता है, जो फोकस नहीं कर पाते बच्चे, इसके जो हैं स्पेशल के नज़र नहीं आता, नॉट नेसेसरी ऑटिज्म और ऑटिस्टिक, तो उनके लिए मैं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं कराची में या पाकिस्तान में कम से कम शायद एक ही इंस्टीट्यूट देखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही मैं, कर नहीं पा रहा वो, तो वो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ उसके लिए। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर मुल्क में रह भी चुका हूँ और मुझे इसकी काफ़ी नॉलेज भी है, तो मैंने देखा कराची में ये जो बच्चे जो है टोटली इग्नोर्ड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इन पर भी फोकस किया जाए। और ये बहुत इनको प्रॉब्लम्स हो रही है नॉर्मल स्कूल में जाके, वो कोप नहीं कर पा रहे। एडी दोनों पे, मतलब इन जो थिंग्स यू कैन सी जो आपके सामने नहीं है, तो लेकिन उनको प्रॉब्लम्स हैं जो डिनाई होते हैं। सर अभी तो ऑनेस्टली मेरे तो इसलिए क्योंकि खुद मुझे हमेशा मुझे बचपन से डायग्नोस किया गया था, लेकिन बस आपको पता सर कल्चरल रीजंस ऐसे हैं, तो मैं तो करने मगर अभी मुझे कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ भी नहीं है। और मैं वो मैं मतलब मालूमात करनी शुरू किया है मैंने, ये रेजोल्यूशन है मेरा इस साल का। और ये मैं अब जो मेरे कजन्स हैं बाहर मुल्क में रहते हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं या स्पेशल चिल्ड्रन साथ काम कर रहे हैं, सर कुछ थोड़ी सी उनसे लर्निंग ले रहा हूँ फेसबुक के थ्रू, नथिंग प्रोफेशनल, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सही किस तरह से ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट स्टेज में हूँ। आई मीन लाइक आई हैव अ नॉर्मल 8-to-5 जॉब और सैटरडे संडे ऑफ, सो उसके बाद आई एम विलिंग टू 20 hours a week, you can say, as much as I can give. So hopefully I can learn something from here. Kamran Javed. Well, Mudassir Ali Khan is my name. Rehan Allahwala se meri like 5 years back, I guess, hui thi. Unhone mujhe ek Israeli friend se introduce karaya tha, Shamil se. He's a good friend of mine now. Mere kaafi khud bhi mindset change hue the. After that 500 challenge and all that. अच्छा उससे लर्न मैंने ये किया कि काफ़ी लोगों से अट्रैक्शन इंक्रीज़ हुआ कि कौन क्या कर रहा है, लाइक न्यू आइडिया जनरेशन एंड ऑल दैट। अच्छा वेल वैसे मैं प्रोफेशनली आई एम मार्केटियर, मैं एक हेल्थ केयर कंपनी में मार्केटिंग की जॉब करता हूँ, प्लस आई रन अ वर्चुअल यू कैन से हेल्थ एंड फिटनेस और हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी विद द नेम ऑफ म्यूट्रिशन, इट्स बेसिकली म्यूट्रिशन फ्रॉम एम। तो वॉट वी डू के लाइक मुझे भी पता लगा कि स्पोर्ट्स में काफ़ी आप लोग काम कर रहे हो, हम लोग भी लाइक फिटनेस अवेयरनेस वेलनेस माइंडफुलनेस एंड ऑल दैट हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स करते हैं, मेरी टीम है पूरी, और अभी हमने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा उसको एक्सपेंड किया है, और हमारा पेज है न्यूट्रिशन के नेम से, और उसके अच्छे फीडबैक माशाल्लाह से हम उसको कर रहे हैं। अब मैं उसको लाइक रिगार्ड करूँगा रेहान साहब को कि उन्होंने काफ़ी इस पे उनसे मेरी डायरेक्टली बात होती रहती थी, फर्स्ट टाइम आई मीटिंग यू बाय द वे, बट लाइक दैट्स द थिंग्स आर गोइंग, और उसमें हमें एक्सपेंड करना है ऑब्वियसली, यहाँ पे जो लोग हैं हो सकते हैं उनके साथ काफ़ी हम काम कर सकें, तो दैट्स ऑल। आपका नंबर भी आप बता सकते हैं? या श्योर, इट्स 0321-721-4266। मुदस्सर अली खान, यू कैन सर्च मी बाई टाइपिंग मुदस्सर अली खान, MUDASSIR अली खान, नंबर आई रिपीट 0321-721-4266। यू कैन ऑल्सो लाइक मुझे आप मिल सकते, मैं आपको मिलूंगा न्यूट्रिशन के पेज पे facebook.com/nutrition, न्यूट्रिशन इज फ्रॉम M, MUTRITION। आपका
थैंक यू जी सर. अस्सलाम वालेकुम. मैं ऑफलाइन आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगी. इज इट लाइक गोइंग लाइव राइट? अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम तलहा सलीम है और मैं NED यूनिवर्सिटी में मटेरियल कुछ कंसर्न्स ऐसे. वैसे मुझे मतलब किसी को अपना इंट्रोडक्शन देने में और लाइक डूइंग इट ऑनलाइन. तो मैं NED यूनिवर्सिटी में मटेरियल साइंसेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ. चैनक में शायद मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ और रेहान भाई से पहली दफ़ा बिलमुशाफा मुलाकात हो रही है. इनका इंट्रोडक्शन एक तो इनाम भाई के थ्रू भी है, इसके अलावा जो मेरी सिस्टर हैं वो मोमिना अल्लाहवाला जो आपकी बेटी हैं उनकी वो क्लास फेलो थी इस मामले के स्कूल में. तो रेहान भाई से फिर फेसबुक पर थोड़ा कनेक्शन वगैरह बन गया था. तो मुख्तलिफ इस तरह मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी शौक था, तो कुछ बिजनेस से भी मैं लिंक्ड हूँ. दो बिजनेस हैं जो इतफाक़ से मैंने अपने अबू से इनहेरिट किए हैं, तो उस पर ही अक्सर काम चलता रहता है. एक कुछ मेरे वो सोलर एनर्जी सिस्टम इंस्टॉलेशंस का काम करते हैं. इसके अलावा हम लोगों का एक दूसरा बिजनेस है ओजोन सिस्टम्स का कराची में. वो एक ओजोन सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप पानी वगैरह को फिल्टर आउट जो RO प्लांट्स में यूज़ होता है. तो इन दो बिजनेस पर फोकस कर रहा हूँ फिलहाल. फिर चूँकि मैंने 4 साल लगाए अपनी यूनिवर्सिटी में मटेरियल साइंसेज की, मैंने इंजीनियरिंग की है, तो आई थॉट कि आई शुड टर्न इट इनटू अ बिजनेस और समथिंग. तो मैंने एक मटेरियल कंसल्टेंसी कंपनी रिसेंटली स्टार्टअप की है, क्योंकि इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर मटेरियल से रिलेटेड, लेकिन यहाँ लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. तो मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को कंसल्टेंसी दूँ इंडस्ट्रीज़ को कि वो इस तरीके से अपना मटेरियल सही कर सकते हैं. हालाँकि उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो वो दे वॉन्ट टू जस्ट लेट इट गो ना. तो बस ये चल रहा है. आपका नाम? मेरा नाम तला सलीम है. नंबर है मेरा 0307-285-0988. फेसबुक पे आप लोग मुझे ढूंढ सकते हैं fb.com/talhasaleem SALEEM 2011. थैंक यू. पहला बच्चा आया है मेरी जिंदगी में शायद यहाँ पे, जो कह रहे हैं पढ़ने के बाद अपना बिजनेस उसी लाइन में कर रहा हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस दफ्तरी. मैंने डॉक्टरेट होम्योपैथिक साइंसेस में किया हुआ है, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ. अच्छा जी, बिजनेस मैं करता हूँ रूबी लेदर के नाम से, rubyleather.net से मैं लेदर जैकेट्स, लेदर हैंडबैग्स, लेदर के मुख्तलिफ आइटम्स ऑनलाइन सेल करता हूँ. ठीक है जी. अभी मैंने लोकल मार्केट कैप्चर करने के लिए www.gnp.com.pk गिफ्ट एंड प्रोमोज के नाम से एक वेबसाइट बना रहा हूँ, जो इंशाल्लाह इस महीने के मिड में या एंड में बिल्कुल तैयार हो जाएगी और लॉन्च हो जाएगी. अच्छा जी, मैं यहाँ अचानक में आया इसलिए हूँ कि रेहान भाई की जो भी यूनिवर्सिटीज़ और दीगर जो मैंने लेक्चर सुने हैं, गुफ्तगू सुनी, उसमें एक गुजारिश मैंने ये करनी थी कि जितने नौजवानों को ये मशवरा देते हैं कि कारोबार करें, कारोबार में आगाज़ करें, उसमें एक मशवरा लाजमी ये शामिल कर लें कि किसी भी कारोबार में जाने से पहले किसी अच्छे, बहुत अच्छी कंपनी में जिसके फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा हो, कि पैसा लगाते कहाँ से हैं, लेते कहाँ से हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पैसा मैनेज कैसे करते हैं, किस वक्त एसेट खरीदना ज़रूरी होता है, किस वक्त नहीं ज़रूरी होता, ऑफिस का खर्चा बाद का है, पहला स्टेबल होना है, ऑर्डर है, पहले ये सीखें कि पैसा कंट्रोल कैसे करते हैं. फिर उसके बाद आप किसी से कहें, अपने घर वालों से कहें कि पैसा मांगें, पहले ये देखें कि खर्चा कहाँ करना है, मैं पॉकेट मनी कब लूँगा, मैं पैसे कब अपनी जेब में डालूंगा, कब दूसरों से लूँगा. खुद ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ, नुकसान उठा के बता रहा हूँ दूसरों के पैसे से, अपने पैसे से, कि ये बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिट बैलेंस का, उधार पे लेने का क्या फ़ायदा है, कैश पे लेने का क्या फ़ायदा है, और सारा मुनाफा ख़रीदारी में होता है, उसमें नहीं होता, सेल प्राइस में नहीं होता, मुनाफा किस चीज़ में होता है. इन सारी चीज़ों के लिए आया हूँ, और इसलिए भी आया हूँ कि यहाँ आदमी फ्रीली बात कर लेता है, फ्रीली कोई इडियोटिक, कोई बेवकूफ़ाना सवाल कर सकता है, पूछ सकता है, सुन सकता है, तो बहुत कुछ क्रिएटिव सीखने को मिल जाता है. शुक्रिया. तो आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस दफ्तरी. नंबर है मेरा 03625130001. नाम आपने दफ्तरी का खबर, काम कारोबार का बात कर रहे ना, दिल्ली वाले नाम लगा लिया तो क्या हुआ, कारोबार कर रहे. जिनको दफ्तरी नहीं मालूम उनको बता रहे दफ्तरी कहाँ से है. दफ्तरी क्या? दफ्तरी मुझे नहीं पता नाम कहाँ से आया, लेकिन दिल्ली वालों की कास्ट है, सब कास्ट है, जमीत पंजाबी सुधाग्राम दिल्ली की एक सब कास्ट है जो दफ्तरी कहलाती है. तो
तो इसलिए मैं भी अपने नाम के साथ लगाता हूँ मोहम्मद यूनुस दफ्तर। ये मेरे इल्म में नहीं है, नहीं मेरे इल्म में नहीं। बताइए जितने भी जमीयत पंजाबी सरगर्म दिल्ली मेमन सीनियोरिटी होते हैं वो ज़्यादातर कारोबारी होते हैं। एक उनमें से जो बेचारे थे वो कहीं नौकरी पे निकल गए तो उनका नाम पड़ गया वो दफ्तर ही है भाई, वो कारोबार नहीं करता। इतने मायूब समझा जाता था या उसको फ़र्क इतना था कि सारे 99% तो कारोबार कर रहे हैं, ये कौन मियाँ साहब आ गए हैं कि जो अपनी नौकरी करेंगे जाके। तो वो नौकर की जगह उन्होंने दफ्तर वाला जो बच्चा बाबू है ये दफ्तर ही नाम पड़ गया। मेरे खालू भी दफ्तर ही, इसलिए मुझे मालूम है। अच्छा जी सर। अच्छा मेरा नाम इकबाल है, इकबाल ट्रेनर, और मेरे अनवे के पास जॉब करता हूँ। क्या जॉब कर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद शुएब है और मैं जस्ट अभी ग्रेजुएट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस और ASP.NET की जॉब कर रहा हूँ, वेब डेवलपर हूँ और आते रहता हूँ चैनक आते रहते हैं जी। आप लोगों ने अभी एक चीज़ बनाई थी जो मैं भी देखने थे, वो क्या थी थोड़ा उसके बारे में भी? हमने अपने यूनिवर्सिटी के लिए ERP सिस्टम बनाया था। बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी में सिस्टम नहीं था कोई, ना है अभी। इंशाल्लाह उसके एक हफ्ते बाद मीटिंग भी रखी है सर ने, तो इंशाल्लाह डिप्लॉय करेंगे सर सैयद में। बेसिकली पूरा सिस्टम था यूनिवर्सिटी का, जैसे कि नदर स्टोर फास्ट में डिप्लॉय हुआ एक यूनिवर्सिटी में, इस तरह का हमने भी एक सिस्टम बनाया था तो उसको डिप्लॉय करेंगे इस तरह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम कपड़े वाला है, मैं 17 साल का हूँ, 18 साल का होने वाला हूँ। मैंने रेहान अल्लाह वाला से दोस्ती मेरी 2015 में हुई थी, दिसंबर के दिनों में। मैं फ़िलहाल तो अभी सेकेंड ईयर पास कर चुका हूँ और मैं जॉब भी कर जॉब तो नहीं, मैं इंटर्नशिप करता हूँ। मेरा अपना पर्सनली भी काम है जो मैंने 2012 में स्टार्ट किया था, जब मैं 13 साल का था। मेरा मोबाइल का बिजनेस है, ऑनलाइन मोबाइल एक्सेसरीज का, और मेरा अब नया स्टार्टअप होने वाला है मोबाइल टी शर्ट्स के काम का, ऑनलाइन टी शर्ट्स के काम का। उसके साथ साथ मैं फोटोग्राफर भी हूँ, इवेंट मैनेजमेंट भी करता हूँ हल्की फुल्की जिधर वो होती है। और मेरा सबसे अच्छा शौक जो आजकल है, मेरा शौक है वॉलंटियरिंग करने का। हर इवेंट के अंदर वॉलंटियर्स हायर होते हैं, स्कूल से वॉलंटियर्स जाते हैं, और आप खुद भी जा सकते हैं अगर आप स्कूल के भी नहीं हैं, आप यंग हैं, आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं, और इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि आपको हर जगह वॉलंटियरिंग के ऊपर आपको अलग अलग काम दिया जाता है, आप अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों में और फ़ायदा हो जाता है। जैसे आप इंटर्नशिप करने से आपको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं, वॉलंटियरिंग करने से भी एक्सपीरियंस मिलते हैं। साथ साथ मैंने पिछले 2-3 सालों के अंदर 4-5 जगहों पर इंटर्नशिप भी की है। रेहान भाई के पास भी कोशिश की थी, वो कैरी ऑन नहीं कर पाया, वापस कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और मेरा आगे फ्यूचर में आर्किटेक्ट पढ़ने का शौक़ है, उसके अंदर भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है कि आर्किटेक्ट के अंदर इंटर्नशिप करूँगा, और बाद में साथ में फोटोग्राफर और डिफरेंट छोटे मोटे हर काम तो होते हैं। और फिटनेस ट्रेनिंग की भी बहुत शौक है, तो फ्यूचर में फिटनेस ट्रेनर बनने का भी एक इरादा है। आपने एक बताया कपड़े वाला क्या है? ये कपड़े वाला मेरे दादा उनका बिजनेस था 30-40 साल पहले, उनका कपड़ों का काम होता था इंडिया के अंदर। उसी जमाने से हम लोग कपड़े वाले खिलाते हैं और अभी तक वही चलता हुआ आ रहा है, शायद आगे बदल जाए। अच्छा एक सवाल था आपसे जो हाफिज साहब डॉक्टर तो वो ये था कि आप जब लेदर का अच्छा काम चल रहा है बाहर, तो वो ये डाइवर्सिफाई करके ये दूसरे अंडे, मतलब दूसरी जो आप एक और अंडा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? जो मेरा दूसरा बिजनेस है जो लोकल बिजनेस है gnp.com.pk, ये है गिफ्ट एंड प्रोमोज। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो लेदर है वो पूरे साल का बिजनेस नहीं है। विंटर सीजन में हमारा बिजनेस हाइप हो ज़्यादा हो जाता है, गर्मियों के सीजन में कम हो जाता है। तो मैंने लोकल मार्केट ऐसे कैप्चर किए कि मैं लेदर के आइटम्स, अच्छी क्वालिटी के लेदर के आइटम्स भी लोकल मार्केट में बेचता हूँ,
और ख़ास तौर पे मेरा टारगेट है, मेरे कस्टमर्स हैं कॉरपोरेट क्लाइंट्स, मेडिसिन कंपनीज, बैंक्स वगैरह, इनको मैं कॉरपोरेट गिफ्ट्स, प्रमोशनल आइटम, गिव अवेज ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको सप्लाई करता हूँ, इनको बना के देता हूँ एज पर देयर कस्टमाइजेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से मुझे पूरे साल का काम मिल जाता है। बट ब्राज़ील, पेरू, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे तो जून में रेडी पड़ी हुई थी। हाँ जी, वहाँ चूँकि मेरे से वेबसाइट जी वेबसाइट के थ्रू मेरा काम है, तो अमूमी तौर पे मुझे ऑस्ट्रेलिया, यानी हमारे साल हमारे जिन महीनों में गर्मी पड़ती है वहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कस्टमर्स हैं। मगर जैसे साउथ अमेरिका के कस्टमर्स हैं वो मेरे पास अभी नहीं है, उन तक मेरी अच्छी मार्केटिंग नहीं पहुँची, अभी वो क्लाइंटल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तब भी जितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सेलिंग यूएसए और कनाडा और नॉर्थ अमेरिका की है अभी फिलहाल उतनी अच्छी नहीं है साउथ अमेरिका और दीगर रीजन्स की। किसी को कोई सवाल? आप कैसे इनको करते हैं, कोरियर के थ्रू करते हैं या फिर आप शिपमेंट करते हैं? जी कोरियर के थ्रू करता हूँ, सारा बेसिक रिटेल होता है, जिस तरह अमेजोन लोकल कंपनीज लेता है, फेडेक्स है, DHL है, UPS है, ये सब लोकल कंपनीज यहाँ हमारे काम कर रही हैं। और सबसे सस्ता भेजना पाकिस्तान से, पाकिस्तान भेजना सबसे महंगा है आइटम और पाकिस्तान से भेजना सबसे सस्ता है। अगर मैं एक लेदर जैकेट कस्टमर को कनाडा या अमेरिका भेजता हूँ तो मुझसे DHL होलसेल प्राइस चार्ज करता है 2500 रुपीज़, $25। और अगर कस्टमर वही जैकेट DHL से रिटर्न करना चाहे, उसके पास पहुँचे, कोई डिफेक्ट हो, कोई इशू हो, वो मुझे उसी सर्विस से वापस करना चाहे, तो उससे कम अज़ कम $120 से $150 लगते हैं। तो ये मुझे पाकिस्तान से बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हम जो आइटम एक्सपोर्ट करना चाहें लोकल ऑनलाइन सेलिंग में, लोकल कह रहा हूँ इंटरनेशनल सेलिंग में, पाकिस्तान को ये बेनिफिट है कि शिपिंग बहुत सस्ती है। ठीक है, किसको अगर आपसे आके काम सीखना चाहे तो कोई शागिर्द वगैरह बिठा लेते हैं? बिल्कुल बिठा लेते हैं, मैं शागिर्द सिखाऊंगा भी, दो तीन लोगों को पहले भी सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, सिखाऊंगा भी, काम भी कराऊंगा। और अगर एंथुजियास्टिक हैं काम करेंगे भी, लेकिन पहले हर जगह जाना होता है, आउटडोर का काम समझना होता है। अगर ये हो कि आके सिर्फ बैठूंगा, सिर्फ काम देखूंगा जो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले ग्राउंड लेवल से, बेस लेवल से चीज समझना, जाना, लोगों के पास जाना, मिलना, मुलाकात, ऐसे सीखना चाहे जरूर आए। शागिर्दी में कोई आना चाहे तो आप बिठा लें? जी बिठा लें, शागिर्दी में, बाबूगिरी में नहीं, किसी सिर्फ सीखूंगा नहीं, शागिर्दी करें, काम करें। कहते ना जी, पहले उस्ताद बनने के लिए भी उस्ताद की जूतियाँ सीधी करनी पड़ती है, जूतियाँ तो सीधी नहीं कराऊंगा, लेकिन बेसिक ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि एक सीखने के दौरान एक हुआ ये कि जब मैं जिस कंपनी में सीखने गया लेदर का काम सीखने, वो करीबी रिश्तेदार थे, तो उन्होंने रहम खा के, अभी दिखाऊंगा, रहम खा के उनका जी नीचे के लेवल से शुरू ना करो, इसको बस ऑफिस लेवल से ही काम सिखाना शुरू कर दो। तो उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि अब जो रॉ मटेरियल की पहचान है या रॉ मटेरियल की सिलेक्शन है, रॉ मटेरियल की बाइंग है, जो बेस लेवल के लोग होते हैं, जहाँ से परचेज होता है, जहाँ से बेस स्ट्रांग होती है प्रोडक्ट की, वो कमज़ोर हो गई। अब मैं कितनी मेहनत कर लूँ, अब मैं वहाँ नहीं जा सकता पलट के जो उस वक्त सीखने का था। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, ये लाजमी रखें 6 महीने, साल, 2 साल, रगड़ लें अपने आप को, रगड़ लें। हमारे बड़े कहते हैं, वो कहते हैं कि मर्द तो मार्जुन होता है, जितना रगड़ो, जितना मसलो, उसका जौहर निकलता है। तो आप जितना अपने आप को रगड़ लेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल वजन उठा लें, बॉडी बनेगी। 17 साल के, 18 साल के हैं, कहें जी मैं ऑफिस का काम नहीं करूँगा, जिस्मानी काम करूँगा, आपकी बॉडी खुद ही बन जाएगी। 20-21 साल के आप कहें जी मुझे पैसे बचत कैसे करते हैं, ये कैसे हो सकता है, कमेटी कैसे डालते हैं। ये मेरे घर के लोग हैं जो 21 साल की उम्र में खुद भी हज पे गए, वालदे को भी हज पे ले गए, अपनी जाती कमाई से पार्ट टाइम जॉब करते थे। क्या सिर्फ गोल था कि अम्मा को हज पे लेके जाना है जाती पैसों से? 21 साल की उम्र में खुद भी हज किया, वालदा को भी ले गए जाती पैसों से। और हम उस वक्त पढ़ रहे थे, हम भी पढ़ रहे थे, हम भी साथ में कर रहे थे, हम भी साथ में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मगर हमारा बचता ही कुछ नहीं था। और उन्हें शुरू से उनको बचाने की आदत, कैसे बचाया, खर्च भी कर रहे हैं बचाया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को रगड़ें, किसी काम से नहीं शर्माएं, किसी काम से नहीं शर्माएं। हाँ जी, फला बंदा मुझे सिखा सकता है। हमारे एक और साहब, अल्लाह ने उनको माशाल्लाह बहुत दिया, 13 साल की उम्र में थे, कहने लगे बाप का सहारा सर से उठा, काम नहीं था, एक दुकान के बाहर आके खड़ा हो गया, कह जी मुझे काम चाहिए। उनका जी काम नहीं है, उनका जी फिर मैं भी यही हूँ, आपके पास काम नहीं है, मैं यही हूँ। कहने लगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो 13 साल का लड़का सिर्फ दुकान के बाहर आके खड़ा हुआ था कि इकबाल साहब मुझे काम चाहिए, इकबाल साहब मुझे काम चाहिए। और आज माशाल्लाह उनकी औलाद अपने बीवी बच्चों के साथ उम्र पे जाती, अल्लाह ने दिया हाथ पकड़ा माशाल्लाह। लेकिन क्या था कि मेहनत करनी है, रगड़ना है, रगड़ेंगे तो चमकेंगे, कोयले को रगड़ेंगे
आप चमक जाएंगे। छोटी उम्र में किसी काम से ना घबराएं, किसी काम से ना घबराएं, कि आज जान लगा दूंगा कल कमा लूंगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग जो हैं जो सुनने वाले भी हैं यहाँ बैठने वाले भी कहते हैं भाई बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, जब जरा एमबी एमबी कर ले फिर जाएगा काम पे, अम्मा खासतौर पर बिल्कुल काम नहीं करने देती, उनको आप क्या करेंगे? मैं उनको एक बहुत प्यारी मिसाल दूंगा, हमारे घर में बोली जाती है, हम भाई आपस में एक दूसरे को बोलते हैं एमडीज, एमडी मतलब मम्मी डैडी, मम्मी डैडी, वही फला काम कर लो, वो छोटा एमडी करेगा, वो बड़ा एमडी करेगा। मैं जो आपसे इतनी बात कर रहा हूँ ये ठोकरे खा के कर रहा हूँ, एमडी बन के कर रहा हूँ, कि आज मैं अगर छोटे भाई से कहता हूँ कि तुम घर से बाहर निकलो, या दूसरों से कहता हूँ ये ऑफिस जॉब टाई वाली जॉब मत करना, वजन वाली जॉब करना, भाग दौड़ वाली जॉब करना, बस के धक्कों वाली करना, इसलिए आप 16 साल की उम्र से लेकर 25 साल 28 साल तक ये काम कर लें, उस वक्त एमडी छोड़ दें, फिर आप इंशाल्लाह मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे अपनी कंपनी के, लेकिन पहले मम्मी डैडी ना बने, नो एमडी अलाउड। उस वक्त आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी नाक नीची होगी, नाक नीची होगी, खालू के आगे खालू या मामा जो है मेरे उठवा रहे हैं, झाड़ू दिलवा रहे हैं, या बाहर से चाय मंगवा रहे हैं, ये होगा, लेकिन इस दौरान आपके चाय वाले से ताल्लुकात बनेंगे, आप चाय वाले से कब सीखेंगे? मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने ग्रास लेवल से काम सीखा, रूट लेवल से सीखा, तो वो फैक्ट्री में थे, तो उनको फैक्ट्री के जमादार से लेकर फैक्ट्री के मालिक तक सबसे बात करने का सलीका, सबसे बात करने का तरीका, किसको कैसे हैंडल करना है, लेबर को कैसे हैंडल करना है, लेबर के साथ खाना खाने जाते थे तो उनको पता था कि भैंस कॉलोनी करीब थी, भैंस का काम कैसे होता है, बाड़े का काम कैसे होता है, होटल जहां खाना खाने जाते थे उनको पता था कि खाने का काम कैसे होता है, रॉ मटेरियल वालों के साथ बैठते थे, हमारे लेदर के काम में कहते ना जिस काम पे अल्लाह का नाम लिया हो इतनी बरकत होती है, जब बकरा या दुम्बा जिबा होता है बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद, उससे लेकर आखिरी लेदर जैकेट बनने के बाद तक दरमियान में इतने पेशे हैं, कम अज कम 30 से 40 रोजगार अल्लाह मैंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में लगाए हैं, ठीक है, उनको सबका पता था और हर लेवल से बात करने का तरीका, परचेजिंग सब कुछ। अगर आपने कोई काम कारोबार करना है उस कंपनी में जाएं, उनका जी मुझे आप बगैर पैसों के, जो कंपनी ऊपर भी ऊपर जा रही हो, पहली शर्त जो कंपनी टॉप पे जा रही हो, जिसका विजन बड़ा हो, जिसमें लोग हायर इसलिए कर रहे हो यार विजन बड़ा है, ये नए रिस्क लेगी, ये कंपनी नए वेंचर्स में जा रही है, ये कंपनी आगे बढ़ने का मौका दे रही है, उस कंपनी में कतई मत जाएं, मार्केट से रिपोर्ट लें उस कंपनी में बिल्कुल मत जाएं जिस कंपनी का डेट ज़्यादा हो, जिस कंपनी में डूबने का खर्चा ज़्यादा हो, आपको लगा हो 2-3 साल में जिस कंपनी की मीटिंग्स में ये डिस्कस हो रहा हो कि जी हम पे इतना कर्जा है हम कैसे निपटेंगे, उस कंपनी में मत जाएं, उस कंपनी में जाएं जो कहे कि जी हम रिस्क कैसे लेंगे, उस कंपनी में जाएं कि जी हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी वहाँ क्रिएटिविटी पैदा करेगी, और जहाँ अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं, अपनी फैमिली में हैं, जो फैमिली में ये हो कि जी उन पे कर्जा है या वो क्या कहते हैं डिसिप्लिन काम नहीं होता, वो आपको जो सिखाएगी वो अनडिसिप्लिन नॉन डिसिप्लिन नहीं होगा, आपको फाइनेंशियली ब्रेव नहीं बनाएगी। तो ये चंद बातें थी जो मैंने करनी थी, किसी को कोई सवाल है तो प्लीज़। ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आपको सर्विसेज चाहें, मैं ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, हम सीओडी स्पेशलिस्ट कहते हैं खुद को, तो सीओडी के मैं आपको रेट्स आपको भी ऑफर करूंगा, और आपको भी जो टी शर्ट सेल करते हैं आपको भी ऑफर करूंगा। स्ट्रीट एक्स कुरियर, स्ट्रीट एक्स कुरियर पूरा वेबसाइट का एड्रेस स्ट्रीट एक्स कुरियर डॉट पी के, क्योंकि मैं दो तीन कंपनीज को रीच किया, कराची में ब्लू एक्स काम कर रहा है उनको भी रीच किया, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह लोकल काम बढ़ रहा है, तो कैश ऑन डिलीवरी, आप कैश ऑन डिलीवरी की पेमेंट मुझे कैसे करेंगे, जब कितने दिन में करेंगे? आई गेस कि वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं डिस्कस होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह आपसे, अगर आप चाहें पब्लिकली तो मैं बता दूं 7-10 डेज में हम लोग पे बैक करते हैं, लेकिन अगर किसी का काम ज्यादा हो तो हम उसको शॉर्टर कर देते हैं उस पे बैक पीरियड को, 7-10 डेज में एग्जैक्टली नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल क्लाइंट्स का जिनका 7-10 डेज, लेकिन अगर लेट्स से आपकी पेमेंट वीकली लाखों में है तो आपको चाहेंगे नहीं कि हम 10 दिन बाद हैं, आपको पैसा वीक भी कर सकते हैं, मिनिमम पैकेज की आपके रिक्वायरमेंट कि इतने पैकेज हो सकते हैं, नो नथिंग, हम मिनिमम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, हम भी एक स्टार्टअप है 2 साल से ग्रो कर रहे हैं, और माशाल्लाह से टारगेट मेरा यह है कि किसी बड़ी कंपनी जिसकी 40 साल हिस्ट्री है उसको टक्कर देना है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन सबके क्लाइंट्स जो है वो छोड़कर मेरे पास आ रहे हैं, टीसीएस, लेपर्ड, ब्लूएक्स और स्टैलियन, और जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन सबके
क्लाइंट्स मेरे पास। अच्छा, आपको क्यों लगता है वो क्लाइंट टॉपिक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। कई क्लाइंट्स मेरे जो ई कॉमर्स के जो सेलर हैं उनको, जो लेडीज हैं जो ऑनलाइन सेल करती हैं, उनको फॉर्म ओपन करना नहीं आता, उनका कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, उनको पोर्टल यूज़ करना नहीं आता। तो वो चाहते हैं कोई ऐसी कंपनी हो जिसके ऊपर एक कॉल पे, एक मैसेज पे उनको कन्वीनियंस मिले। तो कस्टमाइज जो सर्विसेज है, जो पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस है, वो उस बेस पे मेरे पास आते हैं। हमारे पास सिर्फ जो लोकल जो सेलर है वो इस वैसे आते हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बेस है पूरे पाकिस्तान में। मैं स्पेसिफिकली लाहौर से यहाँ पर शिफ्ट हुआ इसी काम के लिए और चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रो करूँ अपनी कंपनी को लेकर। अच्छा, मुझे एक बात समझिए, हर मैंने एक नोट किया, हर इनोवेटिव नया काम या टेक्नोलॉजी बेस्ड काम लाहौर में क्यों शुरू हो रहा है? ऐसा नहीं है, जैसे उबर लाहौर में आई, ये पंजाब में आए, ये आए, ये आ रहे हैं। मैं लाहौर गया था 2 महीने पहले। कितने दिन रहे थे? मैं रहा 2 हफ्ते। क्या फर्क नजर आया कराची में? क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी? अच्छा, हमारे क्यों नहीं आ रही कराची में? डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर, यहाँ डेवलपमेंट वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा बन रहा है ना, हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ भी नहीं है, पॉलिसी के अलावा कुछ भी नहीं। हम कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल भी बढ़ाए, हेल्थ भी चलाए, ये भी करे, वो भी करे, और हमारे क्या कहते हैं बाथरूम भी हमारे वो गवर्नमेंट वाला भी आपके साथ करते। तो गवर्नमेंट का काम सही, गवर्नमेंट काम ये होता ही नहीं है कि सारे काम करे। दिस इज रॉन्ग, इट्स इम्पॉसिबल कि आप मोनोपोली स्टेट के अंदर इस तरह कर सके, ग्रोथ नहीं होगी। और फिर यही होगा जो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, हम हर चीज़ हमने गवर्नमेंट की जिम्मेदारी लगाई थी। तो लाहौर के अंदर कर रही है गवर्नमेंट जो अपना हिस्सा, कि आपके सामने ही जमीन और आसमान का फर्क आपने खुद ही देख लिया। लेकिन कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कराची में सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सिविल सोसाइटी जो है वो रोल नहीं प्ले करती अपना, गवर्नमेंट को ही खींचना भी सिविल सोसाइटी का काम है। अगर वो भी नहीं करते आप लोग तो यहाँ पे ऐसे ही हालात रहेंगे। सफाई, सबसे पहले सफाई, और सेकेंडली ट्रांसपोर्ट, और थर्डली रोड्स, तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सर, ये जो गंदगी डालती है ये आवाम ही डालती है। मैंने देखा है गलियों में, सड़कों पे लोग कचरा फेंकते अपने घर से बाहर, ऐसा नहीं होता। और वो डेली सफाई होती है, यू कचरा नहीं फेंकते गलियों पे, नहीं फेंकते। अगर मैं अपने घर की सफाई करता हूँ तो मैं अपनी गली में कचरा नहीं रख देता शॉपर बना करके, इसको या तो कोई लेकर जाएगा या तो इसको कोई उठा कर लेकर जाएगा। अल्टीमेटली क्या होता है, वो जानवर जो है उसको खोलते हैं गलियों में, वो फैला देते हैं, और फिर हम वेट कर रहे होते हैं कि कोई फरिश्ता आगे इसको उठाएगा। और फिर वही हफ्ते बाद गंदगी देखकर अपने बच्चों को उस गंदगी में करने के बाद बंदा कहता है अच्छा चलो, वो कोई वो हीरोइन जी यहाँ बोलते हैं उनको बुलाते हैं, उनको पैसे दे के वो उठाते हैं। तो कराची के अवाम को क्या करें, जागें और बोलें, बोलना सीखें लोगों से। आपके पास सोशल मीडिया है, रिहान अल्लाहवाला साहब जितने बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, इनको फॉलो करें, अपने आप को फैन फॉलोइंग अपनी बनाए और अपनी बोलना सीखे। यहाँ के लोग बोलते नहीं हैं, और अगर कोई बोल रहा हो तो उसको अटैक करते हैं कि ये लाहौरी है और इस वजह से ये बोल रहे हैं। हालांकि मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैं अब कराचाइट हूँ, यहाँ पे जितनी देर मैं 1 महीने से हूँ तो मैं अब कराचाइट हूँ, पहले मैं लाहौरी था। तो अब मैं तो बोलूँगा। एक वो एक हमारे भाई हैं, शायद वो यहाँ पे हैं या मैं उनको ठीक से नाम नहीं पता, मैं तो बोलूँगा। उन्होंने एक कैंपेन रन की थी कि जी मैं बोलूँगा। और सेकेंडली मैं आलमगीर खान साहब से भी मिला जो फिक्सिट की कैंपेन चला रहे हैं। तो हमारा प्लान है कि हम लाहौर में फिक्सिट को भी लेकर जाएंगे। तो ही साइड के जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाएंगे। लाहौर में मैं लीड करूँगा उस फिक्सिट को, उन्होंने ये कहा है कि आप चलेंगे तो फिर सर वो विजन चाहिए ना, वो बोलने का विजन चाहिए। सबके पास है नहीं सर, जो गट्स उसके पास था ना वो हर किसी में नहीं होता ना। ही इज द स्टार्टर। अम्मा ने इंजेक्शन लगवाया था, क्या है उसके पास? सर स्टार्टर उसी ने किया। उनके पास फॉलोइंग है, उनके पास फॉलोइंग है, लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास फंडिंग है, उनके पास फंडिंग है। पहली वीडियो के बाद कितनी देर लगी थी उसको वो फॉन फॉलोइंग बनाने में? मेरा नहीं ख्याल ज्यादा टाइम लगेगा, कम ही लगा था। तो आपको क्या प्रॉब्लम? सर बेहतरीन है, हम भी सोचते हैं। वहाँ शहबाज शरीफ के घर के बाहर जाकर कचरा फेंक दे आप फिल्म में। नहीं ये नहीं किया था, सबसे पहले जो गटर की तस्वीर बनाई थी जब उसने ये किया, उसके बाद इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी हमें वहाँ पे कभी। ठीक है, लेकिन फिर आप एक्सेल लेके कुछ तो ठीक करना चाहते हैं, कुछ तो चाहते हैं, फलाना जो भी प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं, तो
چاہتے ہیں وائی ڈی. میرا سوال اس لیے نہیں کہ عالمگیر کوئی خراب کام کر رہا ہے, عالمگیر خان کا انٹرویو میں میں نے اس کو پوچھا اور میں نے سب کو بتایا, ویڈیو بھی شیئر کری تھی کہ ہر آدمی عالمگیر خان کیوں نہیں بن رہا. تو یہی تو میں نے آپ سے, میرا بھی سوال آپ سے یہ کہ آپ کو اس کی ضرورت کیوں ہے. بولا گیا ابھی تک تو پروف نہیں ہونا, ہو گیا پروف نہیں ہوا. تو اگر بیٹا میں بار بار بول رہا ہوں کہ سموسے نہیں چاہیے, صرف چائے چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو آپ صرف چائے چلا دیں, سموسے آپ پلیٹ میں رکھ کے دے دیجیے گا جس کو لینا یا نہ لگے, ٹھیک ہے؟ تھینک یو. ایک عالمگیر خان کی جگہ اگر 50 عالمگیر خان یہاں پہ کتنے لوگ 20 لوگ بیٹھے ہیں, اٹیمپٹ کر لیں, اب اگر بیل ہو, اگر اریسٹ ہو بھی جائیں تو نقصان کیا ہے؟ زرداری صاحب کا میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, انہوں نے کہا اگر آپ جیل ہونے جانے سے خطرہ ڈرتے ہیں تو غلط ملک میں آپ رہ رہے ہیں. وہ تو خود رہ کر آئے نا. تو اگر آپ دیکھیں ہر ہر جگہ پہ چینج میکر ہیز ٹو, یا تو گولی لگتی ہے یا جیل جاتا ہے, کیونکہ آپ دوسروں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, آپ ایسوں کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جو چینج نہیں ہونا چاہتا. تو آپ سننے والا سب کو میرا مشورہ ہے کہ جو لوگ بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کی ایک بہت اچھی کتاب ہے وائی نیشنز فیل, ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ ٹو اینڈ پاورٹی. تو اس کے اندر وہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھیے چینج کیوں نہیں, ہم لوگ کیوں نہیں چینج, آپ جیسے آپ سب کو چینج کرنا چاہتے ہیں, یہ چینج باہر سے نہیں آتی. ہم سارے چینج جو ہے نا وہ چاہتے ہیں بھائی وہ عمران خان آگے کر دے, اور وہ کون صاحب ہیں وہ عالمگیر خان آگے کر دے اور عیدی کر دے, بھائی یہ نہیں ہوتا. اس ڈیپینڈنٹ ہیں تو نہیں, لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں. تو میں آپ کو بار بار یہی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی کو چینج کرنا ہی نہیں, آپ کو تو صرف اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ لوگ آپ جیسے ہو جائیں, اور آپ ان کو گائیڈ کرتے نہیں آتا تو وہ اپنی قبر میں جائے گا, آپ اپنی قبر میں جائیں, کسی کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک نیشن ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتی تو آپ کیا کریں؟ ایک بچہ ہے صورتی فیملی کا ہے یا جس بھی فیملی کا ہے, نہیں ٹھیک ہونا چاہتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو جا کے کھانا بھی دے دیتے ہیں, پینا بھی دے دیتے ہیں, بھوکا ہی نہیں ہے سالہ تو وہ محنت کیسے کرے گا؟ So that's where I think if you really want to, which I think you can, کر لیں تھوڑے دن, تو جیسے انہوں نے کہا کٹ لگانی پڑے گی اور وہ پھر اس میں سے ماجون بھی نکلے گا. میں سروے کر رہا ہوں, سوشل ورک کا مجھے بھی شوق ہے پچھلے 2 سال سے, ایک ایسی این جی او کے ساتھ منسلک تھا جو بچوں کے لیے کام کرتی ہے, اور آل دا پاکستان میں 1000 بچے تھے جس کی ہم لوگ فی پے کرتے تھے اسکولوں میں. تو سرونگ تو کی ہے سر, اب تھوڑا سا بزنس کے سائڈ پہ آنا چاہتا تھا تو کراچی آؤں, ان شاء اللہ جب لاہور جاؤں گا تو اس طرح کا ایک سوچ. نہیں سر, میں جب تک کراچی میں ہے پلیز ایک اور خان عالمگیر خان بن جائیں, آپ کیا نام تھا؟ اسلم شہزاد. اسلم شہزاد بن جائیں, بالکل سر. اینڈ وی آر آل وتھ یو سر, بننے آپ کو خان ہوں گے. لیڈر جو ہے نا وہ لیڈ کرتا ہے, آگے کھڑا ہوتا ہے, اس کا کام ہے ڈنڈے کھانا, باتیں سننا, گالیاں کھانا, دیٹس فائن. بٹ ونس یو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, دو چار لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر مجھے آپ کا آج بھی آئیڈیا یاد ہے جو بلڈنگ مینجمنٹ سسٹم ہے, اور میں لٹرلی اس پہ سوچ رہا ہوں جب سے میں ایک مہینے سے آیا ہوں, مجھے اتنی چیزیں نظر آئی ہیں جس پہ بزنس کیا جا سکتا ہے. مطلب دنیا میں سب سے زیادہ بزنس اسی جگہ پہ ہوتا ہے جس طرح سب سے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. یہ بات میں نے میر محمد علی خان صاحب سے سیکھی تھی کہ جب وہ, انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا میر میک صاحب نے, کہ جب وہ آ رہے تھے یہاں پہ پاکستان میں تو ان کے کسی دوست نے ان کو مطلب برا بھلا بولا کہ یار تم کیوں جا رہے ہو پاکستان, تمہیں امریکہ میں اتنا کوئی مزہ نہیں آ رہا کیا, مطلب تم پاگل ہو گئے ہو. تو انہوں نے مطلب وہاں پہ کوئی اپرچونیٹیز بھی نہیں ہیں. تو میر میک کہتے ہیں کہ انہوں نے, میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسئلے کہاں پہ لگ رہے ہیں آپ کو؟ کہتے ہیں پاکستان میں, تم جدھر جا رہے ہو ادھر ہی تو مسئلے ہیں. تو کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اپرچونیٹیز بھی اسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ایجوکیشن سسٹم خراب ہے, میں اپنا ایجوکیشن سسٹم بناؤں گا. ایجوکیشن سسٹم بھی میں نے گرو کر دیا اور ارن بھی کر لیا. صفائی کا مسئلہ ہے, میں وہ درست کروں گا, میں ارن کر لوں گا. پانی کا مسئلہ ہے, میں وہ درست کر دوں گا, میں ارن کر لوں گا. تو اس سے زیادہ اپرچونیٹی کہاں ہو سکتی ہے؟ تو کراچی آ کر مجھے لگا کہ بہت ساری ایسی جگہ ہے, لٹرلی صفائی, پانی, بجلی کا. ابھی بھی لوگ چوری کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہی, مطلب یہی کرنا چاہیے لوگوں کو کہ بس کریں,
बहुत अभी मतलब 30-30 लाख रुपए अगर आपने अपने सर पे चढ़ाए छोड़ दें, केसी ने आपको कह दिया है कि आप इसको छोड़ दो, ना पे करो, अब खत्म कर दो, अब से देना शुरू कर दो, लोग दे दो सही, तभी तो लोड शेडिंग खत्म होगी। मुझे दिन में 8 घंटे यहाँ लोड शेडिंग मतलब बिजली मिलती है, मैं फुल लाइट बैठ के काम करता हूँ जहाँ जब बिजली आ रही होती है, उसके अलावा नहीं मिलती मुझे। मेरा नाम अमार है और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है IR में, इसके अलावा एक गवर्नमेंट का इदारा है वहाँ पर मैं मुलाजिम हूँ, और इसके अलावा थोड़ा बहुत मीडिया से ताल्लुक रहा है, एक चैनल में रहा हूँ, उसके अलावा अखबार वगैरह में लिखता रहा हूँ थोड़ा से, बस यही कुछ। एक्सप्रेस में चलाते हैं फिलॉसफी का, एक्सप्रेस में मैं लिखता रहा हूँ कुछ अर्से, फलसफी हैं थोड़ा बहुत, फलसफा का फलसफे में ग्रुप चलाते हैं, उनको और मिल नहीं रहा दूसरे फलसफे बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लोग कम का है, कम का है, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते थे। एक्चुअली आई वुड डिसएग्री कि कम कम है, हम सब ये समझते हैं कि हर चीज़ बहुत कम कम है हमारे यहाँ, सब ये समझते हैं, और एक्चुअली सभी उसी तवाज़ुन से अल्लाह ने हमारे पास भेजे हैं जहाँ और तवाज़ुन से, जहाँ और मुल्कों में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम बाहर आते भी डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे, पता भी अंदर से आवाज़ आ रही होती है हर वक्त, आ रही है ये करना है, ये करना है, वो है, चुप 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 कराते हैं हर वक्त अंदर की आवाज़, तो अंदर की आवाज़ को चुप कराना कोई अच्छी बात नहीं है, बाहर निकालेंगे तो दो चार बातें तो पड़ेंगी, लेकिन आप अपने आप बन जाएंगे, आप अपने आप बनने को तैयार हो, तो आप ही के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इस देखें ना कितने आप लोग इधर इधर हैं अभी, आप हम हर हफ्ते आते हैं, हर हफ्ते इसी तरह 90% नए लोग आते हैं, और हर दफ़ा आके ऐसा पता लगता है कि यार ये तो इतने बड़े बड़े लोग हैं तो ये मसले क्यों हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो यही है कि यहाँ आ गए ना, वीडियो बना ली, हम तो ज़बरदस्ती बनवाते हैं, आपको सबको पता है एक बनती आना आती नहीं है, जो लोग वीडियो नहीं बना सकते, तो अगर वही वीडियो आप अपने घर से बैठ के बना दें और अपने फेसबुक पे हफ्ते में एक दफ़ा लगा दें कि मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो भाई आपको लोग ढूंढ रहे हैं, वो रूमी का कॉल है, व्हाट यू सीक सीक्स यू, जो आप ढूंढ रहे हैं एक्चुअली वो तो आपको लोग ढूंढ रहे हैं, हम जैसा कोई पागल मिल जाए, हम जैसा कोई पागल मिल जाए, तो फेसबुक का और इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब हम आराम से ढूंढ सकते हैं, और हम यहाँ पे अगर देखें तो सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी बहुत सारों के यहीं पे सोल्यूशन मौजूद हैं, इसी कमरे में मौजूद हैं, आपने ये बात करी, वहाँ कोरियर कंपनी बैठी हुई थी, वो टी शर्ट बनाने वाला बैठा हुआ था, इको सिस्टम है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थक जाते हैं, रोज आते हैं, खुदा के वास्ते थोड़ा सा वीडियो बना लो, बात करने दो, लोगों के सामने आओ, किसी के पास टाइम नहीं है फिजिकली मिलने का, तो इसीलिए 90% लोग दोबारा नहीं आते, खैर हम गए थे एक मिनट दीजिएगा और हमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन वो फिर सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं या कनेक्टेड रहते हैं, तो बस मेरी आपसे यही ख्वाहिश है कि आज के बाद से हम ये करेंगे कि हमें पुरानी सारी वीडियोज़ को क्रॉप करेंगे, अलग अलग करके सबको टैग कर देंगे, ये तुम्हारी वीडियो है, क्योंकि वो 1.5 घंटे की वीडियो में गुम हो जाते हैं आदमी, और इसी तरह जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी यही होता है कि आप कभी कॉन्फ्रेंस रूम में जाएं तो आपको लगेगा यार इतना टैलेंट है लेकिन ये नज़र क्यों नहीं आ रहा होता, तो जब तक AI नहीं आती इस तरह की कोई वो हमको ढूंढ ढूंढ के हमारे बारे में बता दे, जब तक आप अपने बारे में जो जानते हैं प्लीज़ पब्लिकली बताएं, और जहाँ तक आपने कहा कि लोग पॉजिटिव होना इलाज है, मेरे नज़दीक हर इंसान पॉजिटिव होता है, जितनी बातें आपने नेगेटिव की वो बहुत ज़्यादा थी सबसे, लेकिन आप तो कह रहे हैं मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास जो बाकी लोग होते हैं वो कुछ और देख रहे होते हैं, तो मेरा एक आधा पौना घंटे का लेक्चर है, अगर आप चाहें तो सुन लीजिएगा कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव, मेरे ख्याल से तो सब पॉजिटिव होते हैं, कोई भी यहाँ मर्डर करने से पहले भी सोचेगा मैं इसलिए मर्डर कर रहा हूँ क्योंकि उसने ये ख़राब काम किया था, ऐ तफरी में मर्डर नहीं कर रहा, ठीक है तो फिर आर्मी वाले सुबह से शाम तक क्यों मर्डर करते हैं, वो तो क्रिएटर्स को करते हैं, ये तो आपका ख्याल है, अच्छा कह रहे, ये तो आप कह रहे हैं ना, तो इंडिया वाला तो नहीं कह रहा मैं क्रिमिनल हूँ, इंडिया वाले अपने तो फिर क्रिमिनल की डेफिनेशन क्या होती है, जो हमको नुकसान पहुंचाए
हम कौन है? हम मींस एक तो इंडिविजुअल हो गया, एक पूरा नेशन हो गया. आप चूज करके पाकिस्तानी बने थे, अब हो गए. अब फॉर्चुनेटली गए कि अनफॉर्चुनेटली, अगर आप कैसे, अगर आप यहूदी पैदा हो जाते तो हम आपको मार देते. सिर्फ इसलिए कि आप वहां पैदा हो गए. बिल्कुल यहूदी हमको मार दे, हम उनको मारे, लेकिन हमको उससे अभी तो अभी नहीं, अभी आप ये कर सकते हैं कम से कम बताए कैसे. अभी हम इस पोजिशन में, अभी इस पोजिशन में ही हमको मारे कैसे. इसमें सबसे बड़ा मसला ये कि हम उनके उधर कर्जा लेके बैठ गए, हम उनके तो कर्जा लेके बैठ गए तो हम उनसे कुछ कर नहीं सकते. अब यही कर सकते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें इकोनॉमिकली. उनका कर्जा ना होता तो हम पहला काम उनको मारने का ही करते. सबसे ज्यादा भी पाकिस्तान नहीं होगा उसमें, लेकिन वो बहुत एक मतलब इंटेलिजेंटली इन चीजों को फेस कर रहे हैं. जो भी है लेकिन दुनिया में तो हुकूमत तो कर रहा है ना, जो भी है डोनाल्ड ट्रंप पहले लाख बुरा है ठीक है, लेकिन क्या हमारे नवाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने, अगर हम बहुत ही गद्दा गैरतमंद कौम है तो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसके वो नहीं करते, वो बोलते पाकिस्तान को बैन कर दूंगा पाकिस्तानियों को, तो बोले नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हो. हमने इतना भले फर्क नहीं पड़ रहा, वो उनके 40 लाख लोगों से 4 लाख लोगों को दूसरे मुल्क में छोड़ा हुआ है, वो तो अपने ला नहीं रहे. जब तक हम नहीं ला सकते, जब तक नहीं ला सकते हैं, जब तक के हम इकोनॉमिकली अच्छे नहीं होंगे. देखो हर कोई इमोशनली नहीं होता है, जो सोशल वर्कर है ना क्या से हमसे इमोशनल है ज्यादातर, मेजोरिटी लोग प्रैक्टिकल है. जो प्रैक्टिकल है, वही प्रैक्टिकल होता है ना, शायद अमेरिका में बैठा होता है, क्योंकि डेवलप कंट्री और पे ज्यादा है, अच्छी हैंडसम सैलरी है. तो अगर हमको उनको अट्रैक्ट करना है तो हमको खुद स्ट्रांग बनना है. स्ट्रांग जब बनेंगे, जब हम लोग जॉब को छोड़ के एक आदमी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो 10 तो उसमें कामयाब हो जाएंगे. स्टारबक्स कॉफी क्या है, कॉफी बेचने की दुकान है, लेकिन वो इतना बड़ा बातें करता है कि 10,000 इमिग्रेंट्स को मैं नौकरी दूंगा, तो उसने भी स्टार्ट तो छोटी मोटी शॉप से किया होगा. तो हम बीच में गए थे स्टारबक्स क्लिफ्टन में, तो ऐसे लोग क्लिक क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रही. या तो बहुत उनकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म है, या कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं. जो मैं बाहर भी रहा हूँ और यहाँ पे मैंने देखा ये स्पेशली कराची में, वो जो एक जैसे आलमगीर एग्जाम्पल दिया था, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आवाम मिलके एक इशू के लिए बहुत कम लोग मैं समझता हूँ आए, लेकिन जो वेस्ट में आप देखें अगर कोई इशू है तो जैसे अब अभी आजकल हम देख रहे हैं बैन अगेंस्ट मुस्लिम रेफ्यूजीज, तो काफ़ी लोग आएंगे और वॉक्स ऑफ लाइफ जो मैंने कभी नहीं देखा. और वेस्ट में वहाँ रह चुका हूँ, वेस्ट में जब भी जैसे कि कोई सिग्नल ट्रैफिक सिग्नल का भी इशू है ना, कम्युनिटी मिल जाती है. हम लोग क्यों मरे में पड़े हुए होते हैं? हमारी एक मैन होल है, हमें पता है कितने बच्चे मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं, बुजुर्ग की फौत हो चुके हैं. एक रोड है वहाँ, अब हालत ही अब गाड़ी पर चला रहे, वो रोड ही गिर गई. मतलब समझ नहीं आ रहा ये किसने ये रोडें बनाई है, क्या देख के बनाई है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है. एक्सेप्ट किया हुआ है उससे, जो बोलते हैं गालियां देके छोड़ते हैं इतना बोलते हैं, लेकिन मगर वो कहते मिलके किसी को पकड़ के मारो, किसी का गला पकड़ो, किसी का खून खराब हो, वो मिलके एज ए कम्युनिटी कोई भी नहीं करता. वो जो कम्युनिटी स्पिरिट जो है ना, वो चीज है ही नहीं. आई वाज वंडर, मुझे मैं 40 साल का हो गया हूँ, अब समय आज तक की चीज में नहीं देखी. आपस में तो लड़ लेंगे, सब मैंने जब भी शुरू किया ना, जब भी अगर मैंने अगर मैं ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ वो किया, जब भी नहीं, मैंने भी एक्चुअली क्वेश्चन ये क्यों नहीं है, लोग आपस में लोग डर क्यों जाते हैं या उसकी डिग्रेड वो. अब आप देख रहे हैं लाहौर में एहतजाज हो रहे हैं, लाहौर में आवाम निकल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आवाम के लिए तो अच्छा काम कर लिया, लेकिन खुद के लिए क्या कर लिया, इतनी डेवलपिंग काम करने के बावजूद भी अगर वहाँ की आवाम एहतजाज करती है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिविटी है. वो इस तरह है कि अब वहाँ की आवाम को अपने राइट्स पता चल गए, वहाँ पे स्कूल्स कॉलेज अच्छे हो गए, रोड रस्ते अच्छे हो गए, वहाँ के लोग टेंशन फ्री हो गए, सुकून से काम करते हैं. उनको एहतजाज का भी टाइम होता है, आप कराची में 2 साल हो गए, अब नवा साल बोल, लेकिन काफी मेरे गाँव के लोग हैं जो कहते हैं लाहौर, लेकिन सच्ची बताऊँ हम कराची वाले हैं, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, इससे कराची को भी फायदे, लाहौर को भी फायदे. अगर जेलेसी नहीं होगी ना, तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा. पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं ना, मैंने क्या बोला हेल्दी कॉम्पिटिशन,
अगर वहाँ के लिए कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ के इसलिए वहाँ की आवाम जागी हुई है, हम लोग की आवाम बस्तों में उलझती भी जा रही है और हमारी गवर्नमेंट और उलझा रही है, था कि हम रोड पे निकले ना, आप जागे ध्यान भाई, एक बंदे से नहीं होगा, हम सबको मिलके लेना होगा कि जिनको पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है तो ही तो आवाम में फैला सकते कि उनको राइट्स पर हो के भाई हमारे राइट्स क्या है। लेकिन एक मसला ये है ना, पोलराइजेशन है, तकसीम दर तकसीम भी, जरा आपने कहा आप गेमर को आपने गेमर पे फोकस किया, आपने दाएं बाएं जो है उनकी तरफ फोकस नहीं किया, तो ये भी एक सोच है। मैं ये कर सकता हूं कि जब भी मैं मार के भी चाय लेके आऊं, कराची में बहुत ज्यादा तकसीम है, जी सर। अच्छा दो बातें मैं करूंगा, मुझे सवाल ये है इनसे कि मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो कि ऑब्जर्व करते हैं डिटेल में और फिर उसके अंदर से सवाल लेते हैं। 99% हम लोग बगैर ऑब्जर्व करे सवाल कर देते हैं, तो ऑब्जर्व फिर सिर्फ ये कि अपनी बात कहने के लिए हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे 5-6 साल से तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं डीपली, चुप करके एक ही चीज़ देखते हैं, और फिर एक दिन उन्होंने मुझे फाइनली फिजिकली पकड़ के जो है ना बिठा दिया कि नहीं अब आप मुझे जवाब दें। मैंने कहा नहीं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, आप आएँ बैठें सबके सामने वीडियो खोलें और छोटी छोटी बातों के इनके पास बहुत सारे सवाल हैं, तो उनमें से एक दो सवाल देते हैं जाके हम आपको मैं पब्लिकली जवाब भी देता हूँ। और इन सबके सवाल भी होते हैं, वो भी नहीं बोलते हैं कहते यार अपनी के दफ्तर में जाके उनके सवाल ऐसे करूँगा। नहीं यार, बात ये है कि आज मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ उस सवालात के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि मैं रेहान भाई के बारे में, मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि 2012 की बात है, मैं फेसबुक यूज़ करना शुरू करता हूँ, पहले उससे पहले ऑर्कट में यूज़ कर रहा था। तो मैंने एक मीटिंग देखी कि उसमें आबिद बेली हैं और एक और दोस्त हैं मोहसिन सिद्दीकी हैं, ये हैं और कुछ और लोग हैं जो बैठे हुए और डिस्कशन ये कर रहे हैं। ये मैं आज ये डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ, आपको शायद ये बुरा लग रहा है और लग रहा हो शायद कि यार ये क्या, मुझे बुरा नहीं लगता, बोलो। उसमें ये बात हो रही थी कि रेहान भाई इस वक्त मुल्क से बाहर हैं और वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं, एक तो बेरोज़गारी क्यों है और पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसा क्या काम किया जा सकता है कि जिससे यूथ नई जनरेशन जो है वो कुछ परफॉर्म कर सके, मुल्क में गुर्बत कम हो, बेरोज़गारी कम हो और हर बंदा जो है वो तालीम में भी आगे हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आगे हो, सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी आगे हो। काफ़ी डिस्कशन हो रही थी, आबिद बेली ने भाई ने ये बात की कि जी उसमें उन्होंने अपने कोई टिफ़िन का कारोबार का बताया कि मैं ऑफिस में लंच प्रोवाइड करता हूँ, डिलीवर करते हैं हम लोग, वो सिस्टम हमने किया है। मोहसिन सिद्दीकी ने और बातें इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम मेरी मोहसिन भाई से भी बात हो रही थी, मैंने कहा मोहसिन भाई अब शायद वो सुन भी रहे हो, मैंने मोहसिन भाई से कहा, मैंने कहा कि आप रेहान भाई के साथ हैं कि नहीं हैं, तो मोहसिन भाई ने कहा कि मैं तो अब मुल्क से बाहर हूँ, आई डोंट नो इस वक्त वो किसी और मुल्क में हैं, कोई सर्विस किसी जगह जॉब कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मोहसिन भाई जो वो इंटरव्यू जो मैंने आपका सुना उसमें मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये बंदा जो है, ये रेहान जो है, रेहान अल्लाह वाला, ये कोई ऐसा बंदा है कि जो वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। मैं इंतज़ार में कि ये रेहान अल्लाह वाला, अल्लाह करे मुझे कहीं ना कहीं ये मिल टकरा जाए। यूथ एक्सपो हो रहा था, सोशल एक्सपो, यहाँ एक्सपो सेंटर में, तो रेहान भाई एक आम कैजुअल ड्रेस में, मैं ये समझ रहा था ये बड़ा कोई किट विट करके टाई शाई पहन के ये कोई साहब आएंगे मिलेंगे या बातचीत इनसे मुलाकात इस तरह होगी और इनके गार्ड्स होंगे, कोई आगे लगभग 10-15 गार्ड्स होंगे आगे पीछे फिर रहे होंगे, टिशू पेपर से भी कोई साफ कर रहा होगा। बहरहाल चीज़ें चल रही थी, मैं इंतज़ार कर रहा था, इत्तेफाक से ये आए वहाँ पर और बड़ा कैजुअल सा ड्रेस, इन्होंने कहा कि जी मैं ये करता हूँ ये चीज़ें, इन्होंने जब कार्ड पकड़ाया तो उस पर रेहान अल्लाह वाला लिखा हुआ था। फौरन जो है मुझे आई वाज शॉक्ड कि ये क्या, ये तो वही बंदा है। तो मैं इनको ज़रा, अब मैं ज़ाहिर वहाँ एक स्टॉल पर हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त लोग भी काफ़ी विजिट कर रहे थे,
تو میں انتظار کر رہا تھا کہ ذرا میں فارغ ہوں تو ان کو پکڑوں, اور یہ بھی بڑے آہستہ آہستہ سے دھیمے دامے درمے سخنے جا رہے تھے. میں پیچھے پکڑا جا کے ان کو, میں نے پکڑا, میں نے کہا ریحان بھائی ایک بات پوچھنی ہے آپ سے, آپ وہی ریحان اللہ والا ہیں جو پاک ٹی وی کوئی آپ کا تھا کوئی چینل ہے آئی تھنک کوئی لنک تھا جی وہاں, وہ میں نے کہا میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی اور میرے ایک اچھے دوست ہیں کیا نام ہے ان کا, میں اس وقت نام ان کا بھول رہا ہوں, ان سے میں نے بات کی, میں نے کہا ریحان اللہ والے سے میری بات ہوئی ملاقات ہوئی تو ڈو یو نو, تو انہوں نے کہا کہ آپ میرا ان کو حوالہ دیں. اس کے بعد پھر میں نے ریحان بھائی کو ایک میسج کیا ای میل, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فیس بک پہ جوائن کریں. میں نے فیس بک پہ ان کو فالو تو کر لیا, مجھے ایڈ کرنے کا نہیں پتا تھا کہ یہ فیس بک میں ایڈ فرینڈس کیسے کرتے ہیں. پھر مجھے ابھی تقریباً یہ میں ان کے ساتھ فالو تو میں ان کو کر رہا تھا, لیکن ان کو ایز اے فرینڈ میں نے جو ریکویسٹ سینڈ کی وہ آپ کہیں کہ یہ 2015 یا 16 میں, لیکن میں ان کو فالو کر رہا تھا. لیکن یہ بات ان کی اپنی بالکل ٹھیک ہے کہ آئی واز آبزرونگ فور لاسٹ 5-6 ایئرس, اور یہ بہت اچھی بات ہے. میرا آج پہلا دن ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہوتا ہے یہ سب چینج سسٹم کے, ہر دفعہ جو نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ نئے نئے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں میرے ذہن میں کچھ چیزیں اور آ رہی ہیں لیکن ٹائم شارٹ ہے. آپ اپنے آبزرویشن بھی آج کے بتا رہے ہیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر کے آئے تھے اور کیا ملا. اچھا میں اب وہ پھر یہ رہ جائے گا کہ سارا کچھ میں نے ہی لپیٹ لیا نا. آپ سب کی اجازت ہے, میں آیا جی اس میں, میں پہلے مارکیٹنگ میں رہا ہوں یہاں کراچی میں, آؤٹ ڈور مارکیٹنگ ٹیلی ویژن مارکیٹنگ کے سلسلے میں میں نے کافی چیزیں کی ہیں. تو وہ جسے ابھی بھائی نے بات کی کہ آپ رگڑا لگائیں, آپ خوب محنت کریں, ٹھیک ہے. تو یہاں جو ناہید سپر اسٹور ہے یہاں اس بلڈنگ میں بھی میں آتا رہا ہوں, یہاں پیچھے پیزا ہٹ والوں کا آفس تھا, وہاں ہم لوگ جا کے ان سے میٹنگ کرتے تھے, مارکیٹنگ میں ملتے تھے, بات چیت ہو رہی ہوتی تھی. تو کچھ چیزیں کچھ پوائنٹس میں بتانا چاہوں گا, آج کی ڈسکشن بہت اچھی رہی. اس ڈسکشن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا ماحول چینج ہے, فرق ہے ایک جگہ سے دوسری, نہیں یہ بات نہیں ہے, ہر جگہ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, اس انوائرمنٹ کے مطابق وہاں پر ڈیسیزن لیے جاتے ہیں, اور ان ڈیسیزن پر اب اگر عمل کرتے ہیں تو بات آگے بڑھتی ہے, اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ بات وہیں رک جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کو کوئی اور ڈیسیزن لینا ہوتا ہے, وہ تمام چیزیں آپ کے پاس جب جمع ہو جاتی ہیں, اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں, تو اس کے بعد وہ ان کی ڈیسیزن جو آپ کے پاس پینڈنگ میں ہو جاتے ہیں وہ خود ایک طریقے سے گاربیج بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پھر وہاں پر سولوشن نہیں دکھائی دیتا کہ سولوشن کہاں ہے, اب میں اس سولوشن کو کہاں ڈھونڈوں. تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا وہ تمام گاربیج کو اکٹھا کر کے اس کے اندر سے پھر ایک سولوشن نکالنا پڑے گا, اس کے بعد پھر جا کے. اور یہ چیز جو ہمارے زندگی میں ہے وہ میں بتاؤں کہ ہم گھڑی کے اندر دیکھتے ہیں سیکنڈز ہیں, ٹھیک ہے, سیکنڈ سے ہمارا بنتا ہے ایک منٹ, ایک منٹ سے بنتا ہے ایک, یعنی ایک منٹ کو ہم 60 منٹ کو منٹوں کو ملاتے ہیں تو پھر ایک گھنٹہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے 24 آورس کے بعد آگے چلتے ہیں تو پھر ایک دن, ہفتہ, مہینہ, سال, اور پھر آپ جتنے بھی ایج لگا دیں. پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ہر دفعہ اپنے جو مشن ہے, مشن سٹیٹمنٹ سے ہم لوگ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں کنسسٹنسی میں بہت بڑا ہمارا ایک لیگ بن جاتا ہے, ہماری کمیونیکیشن میں گیپ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جو آبجیکٹیو ہوتا ہے, جو گول ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہم اس کو اچیو کر لیں گے, لیکن وہ نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, جیسے مثال کے طور میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے ابھی اگر مجھے جیل چورنگی تک جانا ہے تو جیل چورنگی تک جانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یار 10 منٹ لگ جائیں گے, لیکن اس 10 منٹوں میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وہاں پر سگنل بھی ملے گا, ٹھیک ہے, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. وہ تمام جو پرو اینڈ کونز ہیں ہم لوگ اس کو اوائڈ کر لیتے ہیں اور ایک ذہن میں ایک اسمپشن بنا لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچنے میں ہمیں اتنا ٹائم لگے گا, لیکن اس ٹائم کے کو اچیو کرنے کے لیے, اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے, اس کی مثال میں ایک اور بھی دے سکتا ہوں کہ ہم لوگ فار انسٹنس ہمیں کوئی ایونٹ کرنا ہے, اس ایونٹ کے لیے اگر ہمیں نارملی 2 لاکھ روپے چاہیے تو ہم لوگ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے, جبکہ نہیں, اگر آپ نے 2 لاکھ روپے کا سوچا ہے وہ چیز تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہونے چاہیے,
وجہ یہ ہے کہ بعد میں اگر اس میں کہیں نہ کہیں کوئی اس طرح کی ڈسکرپنسی آتی ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو آتا ہے جس کو آپ مینیج نہیں کر پائیں گے فائنینشلی, تو جیسے بھائی نے کہا کہ آپ کو وہ فائنینشیل جو میٹرز ہوتے ہیں ان کو لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ آج کا میسج ہے کہ ہمیں اپنے ہر لمحے کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کرنا چاہیے. جب ہم اس کو لک آفٹر کریں گے تو پھر ہماری تمام چیزیں جو نا خود بخود سٹریم لائن ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ. میرا ایک سوال ہے, لوگ جیسے آج کل ہر کوئی بول رہا ہوتا ہے کہ بیٹا ابھی ایک چیز کے اوپر فوکس کر لو, پڑھائی کے اوپر فوکس کر لو, لیکن ہر بندے کا پڑھائی کرنے کا دل نہیں چاہتا. اور جیسے مجھ جیسا بندہ ہے, میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں لیکن آبویسلی اتنا شوق سے نہیں کرنا چاہتا, لائک کرنا تو چاہتا ہوں پھر بھی, لیکن پھر بھی میں ایک ساتھ 3 سے 4 کام کرنا چاہتا ہوں. میں ٹی شرٹ کا کام بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, موبائل کا کام میرا جاری ہے, میں لینڈسکیپنگ کا کام بھی کر رہا ہوں, فوٹوگرافی کا کام بھی کر رہا ہوں, والنٹیئرنگ بھی کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں, لیکن مجھے بار بار لائک بہت سارے لوگ مجھے بار بار بول رہے ہیں کہ آپ ایک چیز چوز کر لیں, آپ ایک ہی ڈائریکشن میں جاؤ, ہر ڈائریکشن میں نہ گھسو. لیکن میرے نظریے سے میں ہر چیز کے اندر ماسٹر بننا چاہتا ہوں, لائک ہر چیز کے لائک ہر چیز میں تو نہیں, لیکن بہت سے بہت جس چیز کے اندر میں آگے بڑھ سکتا ہوں, جس چیز کے اندر میں ابھی کوشش کر رہا ہوں وہ سب کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے مجھے کوئی اگر جواب دے دے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, کوئی آپ لوگ کی, میں آپ سب کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کیا بولنا چاہتے ہیں, کہ کیونکہ مجھے لوگ پہلے گائیڈ کر رہے تھے کہ مجھے ایک ہی طرف رہنا چاہیے, ایک ہی ڈائریکشن میں جانا چاہیے, یا میں دوسرے ہر ڈائریکشن میں جا سکتا ہوں, لائک ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جا سکتا ہوں, میں ایک کام کے ساتھ ساتھ دوسرا کام, تیسرا کام, چوتھا کام کر سکتا ہوں, تو مجھے وہ کرنا چاہیے یا مجھے صرف ایک ہی ڈائریکشن میں جانا چاہیے. کیونکہ میرے جیسا بندہ, میرے جیسا دماغ والا بندہ, میں لائک ایک ہی کام کے اوپر فوکس نہیں کر سکتا. میں کیونکہ ایک کام کروں گا وہ ختم ہو جائے گا تو میں فارغ بیٹھ جاؤں گا, مجھے وہ نہیں کرنا, کیونکہ میں ابھی انیشیل اسٹیج پہ ہوں, مجھے ایک ہی لائک اور باقی سارے کاموں کے اندر بھی آگے جانا ہے. مجھے لائک اگر میں لینڈسکیپنگ کا کام کر رہا ہوں, گارڈن ڈیزائننگ کا کام کر رہا ہوں, تو اس کے اندر بھی آگے جاؤں. ان کا سوال بہت اچھا ہے, ہم اس پروگرام کو ختم کر لیتے ہیں, جا کے یہ آف لائن آپ جواب دے دیجیے گا, سب کے پاس اس کے بہت سارے جواب, ہر ایک کا جواب الگ ہوگا. اس میٹ اپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے ہفتے بھر میسج کرتے ہیں, ریحان بھی آپ سے ملنا ہے, تو میں کہتا ہوں سارے اکٹھے آ جاؤ. اور اس کا اندر فائدہ مجھے یہ ہو جاتا ہے کہ ایک جو ان کے مسئلے ہوتے ہیں وہیں پہ ان کا حل بھی وہ خود ہی لے کے چلے جاتے ہیں, میرے پاس ان کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو میرا جو کام میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, جو میں اچھا کر لیتا ہوں یا کر رہا ہوں, یا دیٹس مائی پرپز ناؤ, از ٹو کنیکٹ ادر پیپل. اور میں ایک پلیٹ فارم کی طرف پہ سب کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے مل لیں, آپ کا کام ہو جائے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ نیئر فیوچر میں اس کا کوئی سافٹ ویئر بن جائے گا, جا کے اس کی ضرورت نہ ہو. اور ناٹ نیسسریلی کہ وہ شاید ہو, مجھے یقین ہے کہ یہ کام کوئی نہ کوئی ایپ کے ذریعے کر دے گا. اصل جو پرابلم نظر آئی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن کے اندر یا ہماری ترجیحات کے اندر, جو ہمارے پریورٹیز کے اندر, وہ مشن سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں. کسی بچے کو نہیں معلوم, وہ چھوٹے کو بھی نہیں معلوم کہ وہ 5 سال کا تو ہے لیکن وہ کیا کرے گا, اس کے ابا کچھ ڈیسائیڈ کریں گے یا وہ خود کچھ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آخر میں اس نے 40 سال کی عمر تک پہنچتے ہوئے کرنا کیا ہے. جیسے یہ کنفیوز ہے, اسی طرح اس کو بھی ہم کنفیوز بیچارہ بنا دیں گے, نہ وہ ادھر کا رہے گا نہ وہ ادھر کا رہے گا, وہ بیچارہ باقی قوم کی طرح کنفیوز رہے گا. یہ میجورٹی کا ڈلیما ہے, اور یہ صرف پاکستان کا ڈلیما نہیں ہے, یہ پلانٹ ارتھ کا ڈلیما ہے. اور اس کی وجوہات ہیں بہت ساری, جس کو میں ایک منٹ میں سمجھا نہیں سکتا کہ وہ کیا وجوہات ہیں, بٹ جو جنرل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ بہت تیزی سے سپیڈ اپ ہو رہا ہے. جو نالج ہم اس سال کریٹ کریں گے وہ پچھلے 10 سال میں نہیں ہوئی ہوگی. جو نالج ہم نے اگلے 10 سال میں جنریٹ کری ہے, ہیومن ہسٹری میں ساری بھی کمبائن کر لیں تو وہ بھی نہیں ہوئی ہوگی. یعنی کہ یہ طاقت جو آج میرے پاس موبائل کو اور آپ سب کے ہاتھ میں موبائل کے اندر جو طاقت ہے براڈ کاسٹ کرنے کی, یہ طاقت کتنے لوگوں کے پاس تھی آج سے 50 سال پہلے؟ یہ تو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس بھی پاور نہیں تھی کہ وہ اپنا موبائل فون نکالے اور براڈ کاسٹنگ شروع کرتے, تو پاسبل ہی نہیں تھا. تو وہ جب طاقت ہر ایک کو مل گئی, اور اب اس طاقت کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے, ہمارے والدین کو نہیں پتا کہ کیسے استعمال کرنا ہے, تو والدین کی پرائیورٹیز ہی غلط ہیں. تو یہ ایک چیلنج ساری پلانٹ کے لیے ہے, اور اس پہ ہر دفعہ اسی قسم کی گفتگو ہوتی ہے. اس بیٹھک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک پر ایک, جیسے آپ باہر تھے, تو
کہ جو لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں ان کو شوق کریں کہ جی دیکھ لوں کہ بھائی وہ کوئی سوٹ بوٹ میں 25 گارڈ کے ساتھ کوئی آدمی ہوں گے یا کوئی کوئی سر پہ بھوت ہوگا یا کیا ہوگا. وہ میں توڑنے کی کوشش کرتا ہوں, بتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں. نارملی تو میں کرتا پاجامے میں ہوتا ہوں, مطلب لگے گا بھی نہیں آپ کو کہ اچھا کون سے والا ریحان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ آ کے. نارملی تو میرا اس طرح, آج تھوڑا سا ہولیا, آج ایک انٹرویو کرنا تھا تو تھوڑا سا کھلیا بہتر ہے, ورنہ تو آئی وانٹ ٹو اسٹے ایگزیکٹلی دا سیم فار دا ریسٹ آف مائی لائف. ایک کرتا, ایک جینس, ایک چپل, ایک چشمہ, اب باقی چیزیں ڈھونڈ لو, وہ تو وہی رہیں گی. تو میرا خیال ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی ایز سمپل ایز پاسبل ٹو بی انڈرسٹڈ. اینڈ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کے اصل جو مسئلہ ہے وہ ہمارے باہر نہیں ہے, اصل مقصد ہمارے اندر ہے. سارے مسائل ایکچولی ہمارے اندر ہیں, باہر ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے, وہ بھائی ہمارے جو تھے وہ پریشان بہت تھے, بہت تکلیف میں تھے. اور یہ ایک عام آدمی کا ڈلیما ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے پریشان پڑ رہا ہے سوائے اپنے لیے. وہ اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اوپر کام کرنا ہے اور دوسرے پہ کام نہیں کرنا ہے جب تک وہ خود اتنا اسٹرانگ نہ ہو کہ وہ دوسرے کی مدد کر سکے. تو یہ مقصد ہے. اب آپ سب کا شکریہ, آپ سب سے گزارش ہے کہ اگلی دفعہ ضرور آئیں, ساتھ میں ایک دو دوست بھی لے کے بھی آئیں, ان سب کے بھی ہم بت توڑیں گے, ہم سب سیلفیاں کھینچیں گے. ابھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ریلیشن شپس بلڈ ہونا شروع ہوتی ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے کہ ایک اور ایک 11 بنے. اور ابھی ہمارے وہی اولڈ سرکلز چل رہے ہیں, وہ دفتری ہیں یا وہ دلی والے ہیں, دلی والے میں بیٹھ رہے ہیں, وہ پنجابی ہیں تو پنجابی بیٹھ رہے ہیں, وہ صورتی ہیں وہ صورتیوں میں کام کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو کوئی جاب ہی نہیں دیتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ایک اور چیلنج اس ملک کے اندر ہے, وہ ہے ٹرسٹ کی ڈیفیشنسی. ٹرسٹ کی ڈیفیشنسی جب ختم ہو جائے گی, ابھی آج پہلی دفعہ ملے نا ٹرسٹ کم ہے, جب 25 دفعہ آ چکے ہوں گے تو ٹرسٹ کا لیول خود بخود بڑھ چکا ہوگا. تو اس سے ہاں تو آتے رہیں گے تو انشاءاللہ, اور ساتھ میں دو تین بچے لیا کریں. اس یہاں پہ کچھ ہم نے چھومنتر نہیں کرتے, مطلب ہمارے پاس آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ کچھ چھومنتر نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ہم اپنے سب سے کہتے ہیں آپ کون ہیں آپ ہمیں بتا دیں. اسی میں ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ہم ایجنڈے بھی نہیں آ پاتے. ایجنڈا نارملی آج کا ایک صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنی کہانی سنائیے گا ایک مہینے. ابھی میں گاڑی میں گیا تھا یہاں سے پشاور تک, واپس آیا اور 4 دفعہ ہارن ہو جائے ٹوٹل. تو اگر میں گاڑی یہاں سے پشاور جا کے واپس لا سکتا ہوں اور ہارن نہیں بجا رہا ہوں, اور میں نے جو ڈسکور کیا وہ پھر یہاں پہ روڈ پہ کیوں نہیں گاڑی چلا سکتا بغیر ہارن کے. ہارن بیسیکلی جو ایونٹ ہوا تھا وہ جانوروں کے لیے ہوا تھا میرے پاس. ہاں جی, جیسے آپ سے میٹنگ ہاں جی بالکل. تو بس یہی بات کرنی تھی. اب آپ لوگ ذرا کھڑے ہو کے ہمارے ساتھ فوٹو کھچا لیں. آپ سب کا شکریہ. جی کل ایک اور صاحب کا پروگرام جی وہ پبلکلی. اور ہماری یہ جو جگہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آئیں, اس کو استعمال کریں. جیسے وہ ADHD پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ جگہ حاصل ہے. یہ جگہ اسی لیے بنی ہے کہ لوگ آئیں اور اپنے انوویٹیو آئیڈیاز کو لے کے استعمال کریں اور کام شروع کریں, جیسے کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے. تو اور اس یہ اسی طرح اس کی ابتدا اسی طرح کی گئی ہے. اینڈ اگر آپ کے پاس آفس نہیں ہے تو یو کین رینٹ دس پلیس از این آفس. ایک ڈیسک لے سکتے ہیں. بجلی کا پرابلم یہاں نہیں ہے, انٹرنیٹ کا پرابلم یہاں نہیں ہے. منڈے سے ہمارا ایک ایونٹ ہے جس میں میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور آئیں. صبح 9 سے لے کے 7 بجے تک وہ ایونٹ ہوگا. وہ اسٹارٹ اپ سے ریلیٹڈ ہے. وہاں پر 200 نئے اسٹارٹ اپس آئے ہوں گے. آپ کو نیا بہت کچھ اینگل سے چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور ایک ہی چیز کو مختلف اینگل سے دیکھنے کا موقع ملے گا جو کہ نارملی نہیں ملتا ہے. 5 بجے وہاں پہ انعام کی سرمنی ہوگی, عمران خان آئیں گے دینے کے لیے اور ٹیوزڈے کو. اور 4 بجے میرا بک لانچ. ایک نئی کتاب ہے میں نے سوشل میڈیا پہ لکھی ہے جو کہ 4 بجے اگین ایکسپو سینٹر کراچی میں ہوگا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے اس کی بھی درخواست ہے. کل یہاں پہ عابد ملک صاحب آئیں گے جو کہ 25-30 سال امریکہ رہ کر آئے ہیں, اب پاکستان شفٹ ہو گئے ہیں. اسی نیت سے شفٹ ہوئے ہیں جس نیت سے عالمگیر کام کرتا ہے, اسی نیت سے شفٹ ہوئے ہیں جس نیت سے آپ اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور ہر ایک کو اپنی کیپیسٹی میں کام کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ دوسرے کو بتاتا رہے کہ یہ آپ یہ کریں. یہ کرنا چھوڑ دیں, چھوڑ لانت بھیجیں ساری دنیا کے اوپر. صرف اپنے اوپر کام کریں. ایک ہی قبر آپ کی ہے بس جس کو آپ کو حساب کرنا ہے. وین یو بیکم فینامینل آٹومیٹکلی پیپل کاپی دا پارٹس آف یو. سب کو ریحان ملا والا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بنیں اور آپ اپنی چیز میں ایکسیلنس قائم کر لیں. اور اسکوپ اس چیز کا ہوتا ہے,
جو اچھا ہوتا ہے اس کا اسکوپ ہوتا ہے, جو بہترین سے بہترین ہوتا ہے اس کا اسکوپ ہوتا ہے. اسکوپ اسکوپ کچھ چیز نہیں ہوتی ہے. اسکوپ ہر آدمی, ہر اچھے ڈاکٹر کا اسکوپ ہے, ہر نہاری والے کا اسکوپ ہے, ہر سموسے والے کا اسکوپ ہے, ہر چائے والے کا اسکوپ ہے, ہر چیز کا اسکوپ ہے. شرط یہ ہے کہ آپ دوسرے سے بہتر ہو, بس اس چیز کا اسکوپ ہے. اور اسکوپ ہی اسکوپ ہے. کوئی جو بیچارہ رو رہا ہے, جو جاب کل آج صبح کی بات ہے, مجھے کہنے لگا ریحان بھائی میں پولینڈ جا رہا ہوں, چلا جاؤں وہاں پہ نوکری مل جائے گی مجھے. میں نے کیا کہ آپ نے یہاں کے ایف سی میک ڈونلڈ میں اپلائی کیا؟ نہیں, میں یہاں تو اپلائی نہیں کیا. تو وہاں جا کے ایف سی میک ڈونلڈ میں کر لو گے تو بیٹا یہاں بھی ٹرائی کر لو. نہیں, میں ایک ہوٹل میں گیا تھا, وہاں فائیو اسٹار میں انہوں نے مجھے جگہ نہیں دی. میں نے کہا اچھا تو ٹو اسٹار میں کر لو بیٹا, ون اسٹار میں ٹرائی کر لو. جب 150 دکانیں پہ کر لو, پولینڈ جاؤ گے خوار ہو گے, دوسروں کے برتن مانجو گے, زبان بھی نہیں آتی ہوگی, اپنے ملک میں تھوڑا خوار ہو جاؤ پھر چلے جانا. ضرور گھومنے جانا یار, پیسے کمانے کیوں جا رہے ہو, خرچ کرنے جانا. بٹ سمجھ اس کو, آپ کے خیال میں آ گئی ہوگی؟ مشکل ہے کہ آئی ہوگی. تو یہی پرابلم ہے کہ ہم ساری دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں, وہ بھی بھاگ گئے تھے. بھاگ کیوں بھاگ گئے تھے بھائی, ہم آپ کا انٹرویو کرنے والے تھے. تو اس کو ہم یہ برخاست کرتے ہیں. بہت سب آپ لوگوں کا آنے کا شکریہ. اگین اگلے ہفتے اسی جگہ پہ 6:30 بجے ہر ہفتے کو میں ہوں نہ ہوں, فتح سبل بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں, انہوں نے متعارف بھی نہیں کرایا. اور یہ ایونٹ کو یہاں پہ 100% کرائیں گے ہر ہفتے. چائے سموسہ ہماری طرف سے ہوتا ہے, مہمان آپ کے ہوتے ہیں. تو آپ آ جائیں, گپے لگائیں, نئے دوست بنائیں. یو ول ریئلی انجوائے اٹ ان دا لانگ رن. اوور نائٹ آپ کو اس کا فائدہ شاید نظر نہ آئے, لیکن بہت فائدہ ہوتا ہے جب ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں. اور یہ ایک اچھی آپ کو انٹرٹینمنٹ سمجھ کے آ جائیں, جو مرضی سمجھ کے آ جائیں, اس سے نالج بہت ملتی ہے. شکریہ بہت بہت, السلام علیکم. اچھا اس کو کرے کہ